Hello, good morning. I said good morning. आहा, बहुत सुंदर। आसमान में इस चिड़िया को देखो, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और कोई आवाज भी नहीं दे रहा इस बेचारे को। जाओ यहाँ से, गो। अरे बहुत मुश्किल है, आसमान में आजादी की जिंदगी कुछ और है, यहाँ तो सब खुदगर्ज लोग हैं। यहाँ भी इतना बुरा नहीं है, वैसे इस कांच को तोड़कर निकल जाना चाहिए था ना। मेरी प्यारी चिड़िया, बेचारी बेजुबान चिड़िया। सुबह उठते ही कांच को देखना है, किस महापुरुष ने कहा था। शुक्रिया, हम हर दिन जिंदा है ये तुम हमें साबित करके दिखाते हो। सुबह सुबह कांच में खुद को उठकर देखना, ये किस महापुरुष ने कहा था, कुछ याद तो नहीं आ रहा है। अरे ऐसा किसी महापुरुष ने नहीं कहा, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ। सुबह सुबह उठते ही कांच को देखना है और सुबह सुबह कांच में अपना चेहरा देखना, ये कहाँ की बात है। क्या किसी चीज ने अपनी जगह तो नहीं बदली। वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर है, पर क्या कह सकती हूँ, पर आजकल जमाना नुकसान के बारे में ज्यादा सोचता है। थैंक यू कांच सर, थैंक यू। हर दिन आपको देखने से पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आया है। इस कांच में हम अपनी अंतरात्मा को नहीं देख रहे, सच कहें तो हम अपने यथार्थ रूप को देखते हैं। अब एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। ओके। एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये किस महापुरुष ने कहा है। वैसे ये बात किसी ने नहीं बोली, तो इस पे मेरा नाम लिख दो, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में। एक्सरसाइज मन की शांति के लिए है, विमला एलेक्जेंडर। अरे वाह, आजादी की प्रक्रिया की बात करते ही इस घर में आजाद रहने वाले व्यक्ति की याद आ गई। देखती हूँ वो बिस्तर से उठे हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग सर। एलेक्जेंडर सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। सर आपने तो सुबह सुबह काली चाय और काढ़ा पी लिया होगा, फ्लास्क की कॉफी दिख रही है हमेशा की तरह। थैंक यू, शुक्रिया। जैसा तुमने सोचा है मैंने वैसा ही किया। वैसे आपने जो नई कविता लिखी है मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। आजकल के जमाने में मिलावटी कहानियाँ बनानी चाहिए। ये कहानी को बढ़ावा देकर लिखने वाले उपन्यास और पुराण लिखना इतना आसान है क्या? हमें भी विजयन लेखन की तरह, मुकुंदन लेखन की तरह, या फिर सक्रिय की तरह, हमारे बचपन के दोस्तों के जमाने की तरह, या फिर बेंजा आमिन की तरह, हमें भी थोड़ा विस्तार में लिखना चाहिए। उनकी तरह लिखने के लिए वो लोग हैं ना, सच्चाई लिखने वालों की आजकल कमी थोड़ी ना है। कल्पना की आड़ में लोग आजकल अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी सच्चाई से बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं। हर कोई लिख सके ऐसा इतिहास की सच्चाई नहीं है, उसके लिए ठोस सबूत और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और बहुत सारा अनुभव होना चाहिए। अगर कोई इस तरह से लिखकर देगा तो हम भी विस्तार से लिख देंगे। अगर वहाँ से जुटाकर विस्तार करके लिखेंगे तो लिखने वाली विमला एलेक्जेंडर ऐसा लिखना चाहिए। जुटाकर लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोग अगर मिलकर लिखें और अपना नाम दे दें इतना काफी है, क्या बोलती हो। ओके सर। वाद विवाद पक्ष विपक्ष की सच्चाई को जनता के सामने उपन्यास के रूप में रख देते हैं, ऐसा भी हो जाने दो,
किसका सच किसका झूठ। दूध अभी लेकर आया है, इसलिए चाय बनाने में देरी हो गई। सुनो, आज से इसे दूध लेना बंद कर देंगे, आधा पानी मिला कर दे रहा है। मैडम, विमला सिस्टर ने आपको कुछ बताया था? हाँ बताया था, इसे भी कोई दूसरा काम नहीं है। आपको पता है ना आप किस बारे में बोल रही हैं? हाँ पता है। इस बारे में जरा ध्यान रखिए, हम क्रिश्चियनिटी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किस महापुरुष ने कहा? हर काम को सही तरीके से जल्दी खत्म करके आराम करना चाहिए, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा? वैसे महापुरुषों के बारे में जान के क्या मिलेगा? इस बारे में कई महापुरुषों ने बोला है, उनमें से आप किस महापुरुष का नाम जानना चाहती हो? वैसे महापुरुषों के बारे में जानकर क्या मिलेगा? अगर दिल ने किया तो एक बार शादी कर लिया, अभी भी कमी नहीं है। हाँ, अभी भी तुम्हारे शरीर में जवानी का जोश दिख रहा है। होशियार लड़की, चुपचाप चाय पी, ठंडी हो जाएगी, बाहर मत निकला करो तुम। धीरे धीरे क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ बड़बड़ा रही हूँ। कोई कमी है तो बताओ, दिल में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए? नहीं, मैं भी सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तुम बाहर जाकर खड़ी मत हो जाना। ऐसा क्यों? कोई अमीर आदमी तुम्हें उठाकर भगा ले जाएगा, फिर यहाँ का क्या होगा? कोई अच्छी बुद्धि वाला मुझे उठाकर प्यार से ले जाएगा। मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया। इसलिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी अक्कल को ठिकाने लगा देगा। अरे बुड्ढी, तुम मेरी आदत के बारे में नहीं जानती? जानती हूँ मैं, जो भी हूँ मैं उम्र में तेरे से 2 साल बड़ी ही हूँ मैं। मुझसे 2 साल बड़ी? ओह, जरा देखो तो, जवानी जा रही है। अरे मेरी लाडली, थोड़ा चर्च भी जाया कर, आज रविवार है, भूल गई? देखो वहाँ से कोई आया है बुलाने के लिए। ओह ठीक है, मैं फिलहाल के लिए जाती हूँ, बट आई विल कम बैक इन द एंड ऑफ द इंटरमिशन। टनन टनन, शिट भूल गई। हाँ शिट, कैसे पाला होगा इसे। अरे वाह अज्जी, कैसी हो? और साथ में मामी भी है। अरे तुम किस क्लास में हो? ये 8th class में है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। माँ जी कहाँ हैं? दादाजी क्या कर रहे हैं? हाँ अंदर हैं। आप कैसे हैं? हाँ वैसे ही हैं। वैसे आप लोग कहाँ जाकर आ रहे हो? बताती हूँ, उससे पहले पीने के लिए 1 glass पानी दो। दादी माँ, हाँ आज रविवार है ना, मैंने सोचा चर्च जाकर आ जाऊँ, और वहाँ देखा पुलिस वाले खड़े हैं। अरे बाप रे, बेटी उस चर्च में प्रार्थना करने से रोका गया है। तो फिर कुर्बानी कैसे करेंगे? हाँ पता नहीं कैसे करेंगे, अरे सब लोग मजाक उड़ाएंगे ना। कौन मजाक उड़ा रहा है? अरे जमाना खराब है ना, इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। अरे आप जानवरों को कम मत समझिए, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार हैं। आप कहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे? अरे प्रार्थना ही है, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर हम बाथरूम में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? कुर्बानी कर सकते हैं क्या? क्या अब भी? इंसानों में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, लेकिन इंसानों में समझदारी है ही नहीं। सही कहा। माँ जी क्या कर रही हो? वो सुबह एक्सरसाइज और योगा करती हैं, कुक्कुड़ासन। उनके होने से तुम्हें सहारा मिलता है, पिछली बार मैं उनसे चर्च के मेले में मिली थी। दादाजी अभी कैसे हैं? हाँ वो बिल्कुल वैसी हैं। दादी माँ, हाँ आ रही हूँ। बेटी जरा हम दादाजी से मिलकर आते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बेटा चलो, आइए आइए। दादाजी आपसे मिलकर बहुत दिन हो गए। सब लोग अच्छे हैं ना? हम लोग ठीक है, आप कैसे हैं? आपके बारे में सोचते तो हमें बहुत दुख होता है। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग आपके साथ नहीं है, हम आपका ख्याल जरूर रखेंगे। वैसे भी पत्नी को खोने वाला पति और पति को खोने वाली पत्नी, इस दुनिया में वो बहुत तकलीफ उठाते हैं, उनके बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। देखो वैसे भी हम
ऐसी जिंदगी की उम्मीद तो नहीं कर सकते है ना। जो भी अनुभव मिलता है उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें सिर्फ तकलीफ ही होती है। छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं, कुछ बोलो तो गुस्सा करने लगते हैं। सही तो है, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। सही कह रहे हैं आप, हर चीज के पीछे कोई वजह तो होती है। विंसी के पिताजी कहते हैं वहाँ रखकर अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका दादाजी। वैसे हम सांसारिक लोग हैं, इस वजह से कह रहे हैं। अरे उसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी कितने परिवार माँ बाप की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उन्हीं की भलाई है इसमें, मरने के बाद भी माँ बाप को इतनी इज्जत दे रहे। वैसे तुम इन्हें सही समय पे दवाई और खाना दे रही हो ना। आज के हिसाब से तो ये फैशन हो गया है, लाश को मॉर्चरी में रखना बस इज्जत का सवाल है। खाने में क्या बनाया बेटा? सब तैयार है दादाजी। हाँ आप लोग भी चलिए साथ में कुछ चलो खाते बेटा। दादाजी लिखे भी ना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुमने ठीक कहा, आजा। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों का खाना लाजवाब है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए आजकल खाना खाम खाया जा रहा है, तुम्हें देखकर पता चल रहा है। ठीक है, वैसे भी 12 बज गए हैं। ठीक से हाथ धो ले बेटा, जाते वक्त छोटी माँ से मिलकर जाते हैं। बच्ची क्या कर रही है? वो तो ना रही है। अच्छा ठीक है, हाँ तो हम लोग निकलते हैं। ईस्टर से पहले अगर हो सके तो हम लोग फिर आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बच्ची को याद से बोल देना। बोल दूंगी। चल बेटा चल। अगर ऐसा ही रहा तो तालाब खुदवाने से भी पानी कम पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? किचन का सामान तो चावल का आटा खत्म हो गया है, गेहूं के आटे से पुट्टू बनाएंगे। उन लोगों की वजह से ही सारा सामान खत्म हो गया। अच्छा सुनो, उन्हें दवाई दी क्या? कुछ तो बीमारी है, ऐसा लग रहा है 10-12 साल की उम्र होगी। मंदिर की प्रतियोगिता में अगर हिस्सा लेंगे तो पहला प्राइज मिलेगा। अरे आप शांत हो जाइए, एक इंसान को जितना भूख लगता है वो उतना ही खाता है, उनका सिर्फ उतना ही स्टैमिना है। स्टैमिना कुछ भी कहो, सबका एक लिमिट ही होता है। अरे दादाजी सुन लेंगे। ओ दादी नहीं सुनेंगी, इतना ही काफी है ना। बाकी लोगों को भी तकलीफ। कैसी तकलीफ? सिर्फ तकलीफ ही नहीं, देखो अभी सर को देने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरा तो छोड़ो, मैं तो प्याज के साथ भी चावल खा लूंगी, लेकिन एक बीमार इंसान को ये सब नहीं चलेगा। अच्छा खाना चाहिए ना, तभी उनकी तबीयत सुधरेगी। जो चाहिए वो निकाल के रखा है। उनको थोड़ा और दिन जिंदा रहना है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। दादाजी कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है लोगों की भूख मिटाना, अन्नदान। जो उसे स्वीकार करके बस कहे वही खाना है। बेटा ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? मुश्किल है, ऐसा बार बार हो रहा है। आराम से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों बाकी लोगों को तकलीफ दूँ। दादाजी ऐसी बातें मत करिए। जब हम खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं, बेहतर यही है कि इस दुनिया से चले जाना चाहिए। किसी पर बोझ बनकर हमें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक इंसान कितना खुशकिस्मत है ये उसके जीने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी मौत कैसे हुई ये तय करता है। आप सही कहते हैं दादाजी, मुझे लगता है कि आपकी सेवा करके मेरी जिंदगी सफल हो रही है। दादाजी आप मुझे जो परेशानियां दे रहे हैं मैं उसे खुशी से स्वीकार कर रही हूँ। मैं तो कभी कभी चुपके से प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे दादाजी की तबीयत कभी ठीक ना हो। इसमें मेरा ही स्वार्थ है, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी। हाँ इसके बदले में आपको मुझे बख्शीश देनी होगी। अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा ना। बेटी वैसे मैंने सत्य वचन लिखकर रखा है, आराम से उसी यथार्थ जीवन को मैं जी रहा हूँ।
वैसे बेटी, नदी के किनारे बैठकर नंगे पैर नदी के किनारे हाथ में कोयता लेकर ईश्वर हमारा रक्षक बनकर रहता है। जीसस इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं दादाजी। हाँ है। बैठी। वैसे जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वो मौत को अपने पास नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी खासकर हमारे इंडिया के लोग बीमारी के घेरे में आ ही जाते हैं। अगर कहा जाए तो लोग हमारी देखभाल करने के लिए हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इसीलिए खुशी से उनका ख्याल रखते हैं। ये मैं बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दादाजी आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहा हूँ बेटी। ऐसे बहुत लोग हैं, खासकर अमीर लोग अपने लिए सपोर्ट खरीद लेते हैं। बेटी मैं ऐसे कई राष्ट्र नेता लोगों को जानता हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को अपने दोस्त कंपेनियन की तरह मानते हैं। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कई बार मैं खुद को लाचार महसूस करता हूँ। अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लगता है कोई आया है। तुम जाकर जरा देखो कौन है, जाओ। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी थी। हाँ मान लिया। हा? और मैंने बहुत तकलीफ झेल ली, इतनी तकलीफ काफी है। अरे बाप रे, इसे तो लोग जेलेसी के नाम से जानते हैं। सुनो, सुबह सुबह नहाने की प्रक्रिया को खत्म करके जब मैं कॉफी पीने बैठा था तब मुझे लगा कि मैं तुमसे जरा मिल लूं और साथ ही अलेक्जेंडर सर को भी मिल लूं। चोर कहेंगे, दादाजी से मिलने के बहाने यहाँ आ गए। अरे मैं सबसे अलग किस्म का आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। वैसे मुझे इस तरह का फ्लर्टिंग पैशनेट नहीं करेगा। डोंट लाई, वैसे तो लोग उस उम्र में अनुभव करते हैं, वो एक किस्म का फैसिनेशन है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझ में भी ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ वहाँ बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं और वो सुंदर लड़कियाँ मुझसे फ्लर्ट भी करती है। अरे ये सब छोड़ो, सर कहाँ है? हमेशा की तरह उनका एक्सरसाइज चलता रहता है। अच्छा वो कहानी कहाँ तक पहुँचे? हाँ कुछ काम आगे बढ़ा है, मैं हूँ ना उनका स्क्राइम, तो वो उठकर चलने लगते हैं। आजो पूछने से कसम खाएंगे। हर कसम फायदे के लिए होती है, इंसान को हर रोज पूजा पाठ करने से शांति मिलती है। वैसे सोचा जाए तो हर रोज का दिन अच्छा ही होता है। तो फिर हम जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए कसम खाने का प्रॉमिसिंग दिन है। तुम क्रिश्चियन लोग प्रॉमिसिंग दिन को बनावटी बनाकर जीते हो, ठीक है ना? अरे मान लिया, तुमसे बहस करना बेकार है। वैसे आज फ्री थे, थोड़ी देर बाद लिखने की सोच रहे थे अचानक इस महानुभव दर्शन का, तो फिर मैं चला जाता हूँ। ये हुई ना बात, आए हो तो दादाजी से मिलकर जाओ, आओ। अरे ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि बाहर जाकर आऊं। वैसे एक बैचलर की मानसिकता के बारे में विमला तुम तो जानती हो ना? हाँ जानती हूँ, इस बैचलर को मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। खैर छोड़ो, वैसे ऐसी क्या खास कविता पढ़ रहे थे? ऐसा नया कुछ नहीं है, जो दिल में आता है पढ़ता हूँ। एवरी हिस्ट्री इज फैक्ट। तो फिर? फिर क्या, पढ़ूंगा, रख दूंगा, फिर पढ़ूंगा और फिर बाद में रख दूंगा। हो गया क्या? नहीं, इनफैक्ट नाउ सर्चिंग फॉर साइकोलॉजी ऑफ गॉड। What you mean? हाँ यार, भगवान के दिल के अंदर के भावनाओं के गहराई को पढ़ना चाहता हूँ। ओह, फिर तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कल जब तुमने फोन नहीं किया तो मुझे लगा, क्या ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो। बेटी। आए दादाजी, एक मिनट। हाँ। तब तक तुम इस अखबार को पढ़ो, ताजा खबरें भी इसमें हैं। अगर नहीं चाहिए तो टीवी ऑन कर लो। ठीक है मैडम। कौन है, किससे बात कर रही थी? एक महापुरुष है दादाजी, दादाजी का शिष्य और विशिष्ट प्रदीप आया है। अच्छा प्रदीप आया है, क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है और ना ही मैंने पूछा। आज मुझे कुछ लिखने का दिल किया। लिखना ही चाहिए और मैं आपको इस काम में सहायता कर सकती हूँ। हाँ कुछ देर पहले एसी बीट ने फोन किया था और किताब के बारे में पूछ रहा था और कह रहे थे कि खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो हिचकिचाना मत। तुम अभी उससे कोई पैसे मत लेना, वो भी हमारे सर पर एक बोझ बनकर रह जाएगा। हमें हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। एक एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी वो काम पूरा होता है। किसी भी काम को वक्त की पाबंदी लगाकर करने की जिम्मेदारी मत लेना। अगर ऐसी बात है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा दादाजी, सब अपने मौके का इंतजार करते हैं, जब मौका मिलता है तो चिंता छोड़ के काम करवा लेते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटी, जल्दबाजी में हम काम को खत्म करने में लग जाते हैं।
जिस काम में हमें दिलचस्पी ना हो वो काम करने से काम और बिगड़ जाता है, समझ गई बेटी? कोई भी काम हो उसमें आजकल दिल लगाना ही पड़ता है, जब उनमें फर्ज नजर नहीं आता तो उस काम का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटी, उस वजह से कला को एक काम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। तो हम एक दायरे में रहकर अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं क्या? मार्गदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं उस प्यार को लक्ष्य का नाम नहीं दे सकता। वैसे ही तुमसे अगर कोई काम छुपा कर करने की कोशिश करेगा तो तुम अपना रास्ता बदल देती हो, ठीक कहा ना मैंने? मुझे अच्छे से कोटेशन मिला। प्यार एक लक्ष्य बनकर रहना चाहिए, उसको एक ही तरह से नहीं देखना चाहिए। वीजे एलेक्सेंडर। कोटेशन अच्छा है, यहाँ मेरा नाम देने की बजाय किसी और का नाम देना बेहतर होगा। नहीं नहीं, ठीक ही है, मेन एंड केन नहीं चाहिए। दादाजी आपका नाम ही काफी है, आप ज्यादातर किसकी कहानियाँ पढ़ते हैं? आपने किस ऐरे गहरे की कहानियाँ पढ़ी होंगी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको एक काम करना है, फिलहाल आप खाना खाने के बारे में सोचिए। दवाई भी खानी है और खाना खाने से ही आपकी हेल्थ ठीक होती है, तो चलिए खाना खाते हैं। खाना भी एक हिसाब से दवाई में बदल रहा है। वो भी ठीक ही है, दवा और खाना दोनों ही जरूरी है। कुछ भी हो लेकिन हमें पहले शुक्रिया अदा करना है इस पेट को, जो अपने पसंद और नापसंद की चीजों को बर्दाश्त करता है। सर आपके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दरिया दिली इंसान हैं, ये सब बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप किस वजह से कह रही हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? अरे वो मैं बताऊंगी, बताने की जरूरत है क्या? आपके चेहरे पे देखकर पता चलता है, आपके चेहरे पे लिखा है चेहरा दिल का आईना होता है, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना उस बच्ची को कुछ मत बताना, आप हो इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे मेरा दिल कह तो रहा है कि आप मेरे बहुत ही करीबी रिश्ते में हैं, नहीं तो मैं ऐसी बात किसी भी अजनबी आदमी को नहीं बताती हूँ। बताइए माँ जी। मेरा जो छोटा बेटा है ना, उसकी बीबी पेट से है, सातवां महीना चल रहा है। आप मेरे छोटे बेटे को नहीं जानते है क्या? वीके मोहन, कल परसों से वो राह देख रहा है। किसलिए? हम अपनी बिरादरी में पूरी तरह से रस्म निभाने वालों में से है। वैसे रिश्ता जोड़ने के लिए लड़के वाले खर्चा उठाते हैं। ये तो सही बात है। आप लोगों की बिरादरी में कैसे करते हैं मैं नहीं जानती। इसके अलावा, उसके अलावा? वैसे हम लोगों की बिरादरी में जो रस्म निभाते हैं वैसे आप लोगों में नहीं है ना, वैसे हमारे फैसले चर्च वाले लेते हैं। वैसे तुम ये मत सोचना मैं ज्यादा बोल रही हूँ, हमारे बिरादरी में जो फैसला लेते हैं वो पिता की तरफ से ही होते हैं। ऐसा नहीं है ना तुम लोगों में, आपके लिए ये कोई नई बात हो सकती है, आप पुजारी के कहने पे चलते हो। ऐसा थोड़ा नहीं बहुत है तो पिता की बात मानने वाली जाती है। वैसे भी मैं बोलना चाहती थी, वो क्या, पिछले हफ्ते में बेगारी चम से मिली थी अन्नमा दीदी, जो काम हो रहा है वो सही है क्या? वैसे क्या, सच में आप नहीं मानोगे, मैंने उसे दिखा दिया। क्या? मेरे बेटे के ससुराल वालों को सब कुछ बातें पता होगी, इस वजह से उसके पिताजी बेवजह सवाल करते हैं। माँ जी अभी तक आप मुद्दे पर नहीं आई। वही बात बताने जा रही हूँ, मैं बचपन में ही अपने पिताजी की और घर के बड़े लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती थी, जो मैं एक बार ठान लेती थी वो करके रहती थी। खैर उस बात को छोड़ो, मैं ये बोलना चाहती थी वो उसके बारे में है। वीके वनियान, उसने काम छोड़ दिया था, अभी उसके पास कोई भी काम नहीं है। अच्छा, वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ ये तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। अगर वो इस घर का लड़का होता तो इस घर की समस्या को समझता, उसको समझाने के लिए तकलीफ उठाई। बच्चा पैदा करते वक्त, वैसे यहाँ अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना? अरे आप भी ना, इस उम्र में भी आप मुझे बेकार में शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं रसोई में जाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसी बात करती रहूंगी। माँ जी आखिर अभी आपको क्या चाहिए? अभी मेरे पास कुछ चिल्लर पैसे होंगे,
500-600 रुपए होंगे जो आपकी इस तकलीफ में मदद कर सकती हैं। अरे इससे मेरा क्या काम हो पाएगा, लेकिन इसके लिए भी मना नहीं कर सकती, ऐसी परिस्थिति में हूँ मैं। पैसा कोई भी दे उसे इनकार नहीं करना चाहिए, ऐसा जीसस ने कहा है, ये बात को जानते हैं ना आप? पता है ना आपको? तो फिर आप उसे भी समझा दीजिए, इस मामले में उसकी मदद कर दीजिए आप, समझ गए? मैं बात करके देखता हूँ, उनको करना है तो करने दो, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हेलो, हाँ, अरे तुम कब तक पहुँचोगे? ओके ओके, किसी से भी पूछो, वो तुम्हें एड्रेस बता देंगे। वैसे हमारे ओमलोर टाउन से 2 किलोमीटर ताई तरफ आना है, फर्स्ट लेफ्ट है, हाँ वहीं है। वहाँ आने के बाद किसी से भी पूछना कि अलेक्जेंडर जी कहाँ रहते हैं। तुम यहाँ आ जाओ, सर से भी मिल सकते हैं। हाँ विमला है, उनकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है ठीक है, ओके ओके। इस जगह का नाम आमलूर है ना, वो मेरे दोस्त यहाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये आमलूर ही है। तुम्हारा दोस्त यहाँ आ रहा है क्या? ठीक है, लेकिन उसको कुछ खाकर आने के लिए बोलना, यहाँ पर पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है अम्मा। सुनो, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो। क्या बोला था ना, 600 रुपए, मेरे पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास इतने पैसे हैं। अरे आपने कहा था ना आपके पास 600 रुपए और कुछ चिल्लर है। वैसे मेरी उम्र हो रही है लेकिन मेरी याददाश्त बहुत तेज है। वैसे मैंने जरूरत की वजह से पूछा, लेकिन आप कुछ गलत मत समझना, अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो कुंदरी चर्च जाकर मेरे बारे में किसी से भी पूछ लेना, अन्नम्मा कौन है वो सब लोग बता देंगे। अरे ऐसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए। अरे ये तो 500 रुपए है, बाकी को वापस क्यों रख रहे हो? पर्स से निकाला हुआ पैसा है ना, म्यान से निकली हुई तलवार वापस म्यान में रखना एक योद्धा को शोभा नहीं देता। वैसे हाँ। मेरी जरूरत आजकल कुछ ज्यादा ही है। हाँ। मैंने जो आपसे पैसे लिए हैं वो बात आप किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप इतने गिरे हुए इंसान थोड़ी ना है, ये बात जानते हो, दाया हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी ही एक कहावत है। फिर भी गलती से आप इस बच्ची को मत बता देना, इसकी परिस्थिति आजकल कुछ ठीक नहीं है। इस लड़की को अच्छे बुरे की समझ नहीं है, जब देखो कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, जब देखो तब हाँ। कुछ न कुछ हड़कंप मचाती ही रहती है। मैं रसोई में जाकर कुछ बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओह, आपके बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ, इन्हें काला करवा लेंगे ना? हाँ कर दूंगी। गुड मॉर्निंग सर। ओ सॉरी, बिना इजाजत के अंदर आया। इट्स ऑल राइट, आओ आओ। आप कहो तो मैं बाहर बैठ जाता हूँ। हाँ, हाँ। आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। नहीं, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं। नहीं, वो मैंने बिना इजाजत उसको यहाँ बुला लिया है, सर से मिलने के लिए वो बहुत उत्साहित हो रहा है, कुछ दिनों से वो इसी बारे में बोल रहे थे, वो लोग चैनल से आ रहे हैं। ये चैनल और अखबार वालों को दादाजी कभी एंटरटेन नहीं करते, जानते हो ना? अरे ये ऐसे कुछ नहीं है, सेंसिबल लोग है वो। इतना ही नहीं, वो लोग चैनल को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले लोग नहीं है, पर्सनली वो आपसे मिलने आ रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग अलग नहीं देखा जाता। पर्सनल अलग है और प्रोफेशनल अलग है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रोफेशन के नाम पर लोग आर्मी वालों से बयान लेकर मामला खड़ा कर देते हैं। एक मेरे दादाजी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कहकर आज भी उन्हें बुलाते हैं, पहले वो आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। अभी तो वो रिटायर हो गए ना, वैसे देखा जाए तो इनफैक्ट दे डिजर्व इट। वैसे बड़े लोगों को मौका देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, आर्मी में काम करने के बाद कई लोग उनसे मिलने आते हैं। एक डॉक्टर जब रिटायर हो जाते हैं तो हम उनको डॉक्टर ही कहकर बुलाते हैं, प्रोफेशनल में ऐसा ही होता है, बिना काम के कई वकील लोग अपने नाम से एडवोकेट जोड़कर रखते हैं। हर प्रोफेशन में जब तक वो काम करते हैं तब तक उनकी अहमियत बनी रहती है। उनको आने दो, वैसे भी मुझे किसी से गुस्सा या नाराजगी नहीं है। लगता है वो लोग आ गए हैं। हाँ। मैं जाके लेकर आता हूँ। मैं उनके साथ जाकर आती हूँ। अरे फिसल कर गिर मत जाना, अच्छी बारिश हुई है। हाय ब्रो, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते, आइए। अरे फिसल कर गिर मत जाना। हाय हाय।
विमला। अरे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अरे अलेक्जेंडर सर का नाम लेते ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता हो। ये विमला, अलेक्जेंडर सर की ग्रैंड डॉटर, अभी यहाँ एक बुक स्टॉल में सेल्स गर्ल। इस गांव में काम करने वालों के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है ना? इनकी पूरी पढ़ाई सोशल के बारे में ही है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने इन सब के बारे में भी पढ़ा था। आफ्टर ऑल यू नो, अभी का जो सेटअप है वो तुम्हें बताए बिना नहीं रह सकते। हम पढ़ाई करके जो डिग्री लेते हैं उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुरक्षित रहने और पेट पालने के लिए ही सब करते हैं। पढ़ाई के बलबूते पे किसे काम मिलता है? अगर LKG में पढ़ने वाली लड़की से भी पूछेंगे तो बताएगी कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। कोई भी सोशलिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने वाला प्रोफेशन कौन सा है? डॉक्टर। वैसे सभी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग अलग भी हैं। हमारे बच्चे भी अमीर बने, हम सब यही सोचते हैं ना? यही हमारी प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हैं आपकी बात मानने को दिल नहीं कर रहा। पैसे को तो सिर्फ हम लोग मायने देते हैं। अगर ऐसा होता तो हम अपने बच्चों को अफगानिस्तान में कॉन्ट्रैक्टर या फिर स्मगलर बनाते, लेकिन ऐसा काम करने के लिए कोई बढ़ावा नहीं देगा। वैसे एक समय में नोबेल बुक की क्वांटिटी के मुताबिक अफगानिक कॉन्ट्रैक्टर या फिर स्मगलर सम्मानीय इज्जतदार और नेक लोगों को ही अवार्ड दिया जाता है। इज्जतदार लोगों को? इज्जत लूटने की तरह। कम ऑन, इन सब्जेक्ट्स को हम यहीं छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इस बारे में बात करके हम अपना दिन क्यों खराब करें? हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल न्यूज कवर करने के लिए आए हैं। यहाँ पास में एक आदमी है, पिकुलर करेक्टर है। कहाँ? टाउन से 4 किलोमीटर पंडीजार गांव में जाना है। वहाँ पर एक आदमी तने के जरिए गांधी जी की प्रतिमा को बनाता है। कई सालों से ऐसा कर रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये गांधी है, इट इज गांधी थॉमस। बच्ची तुम नहीं जानती हो क्या, हमारे गांधी भाई बहुत अच्छे इंसान है और बहुत प्यारे इंसान है। वैसे मैं उसे नहीं जानती। मैंने उनके बारे में सुना है, गांधी मतलब बहुत सारी जानकारी है उन्हें। उनका गांव नदी के उस किनारे में है। गांधी के बारे में बात करके अब सब लोग उन्हें गांधी नाम से पुकारते हैं। बसों को भी उनका नाम दे दिया है। उनके घर के सामने जो बस स्टॉप है ना, उसको भी गांधी बस स्टॉप नाम दिया है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे विमला, तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो हमारे साथ। नहीं, अगर हम विमला का थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले लें तो हमारे चैनल के लिए अच्छा रहे। अयो, वो मेरे लिए अनोखा फील्ड है। अरे वैसे ही हमें एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। तुम जाकर तैयार हो जाओ। मैं जरा दादाजी से जाकर पूछ लेती हूँ। अरे हाँ, तुम अभी भी वैसे ही हो, जरा से भी नहीं बदले। लेकिन थोड़ा बदलाव आया है, तुम्हारा सर हिलाना थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फ्रीक्वेंसी कम, तुम्हारा भी मैनरिज्म है ना? दूसरी कोई कमी दिखाई दे रही क्या? नहीं। अगर खाना है तो आप ही बता दीजिए, खाना बनाना पड़ेगा। रहने दीजिए, हम लोग बाहर ही खा लेंगे। ओ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। अरे आज तो सर के साथ बैठकर थोड़ा बातचीत करने का सोच रहा था, लेकिन इसमें तुम लोग आ गए। फिर मैंने इसमें चर्चा करने जैसा क्या खास है? तुम्हारी शादी के बारे में ऐसा ही हुआ तो? तुम लोग वहाँ शूटिंग कब करने वाले हो? वहाँ क्रू के लोग आए होंगे और थोड़ा बहुत सेट भी करना है। खाने के बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, थोड़ा काम बाकी है। अरे विमला, तुम भी चलो ना, हम सब वहाँ साथ में खाना खाकर चले जाएंगे। दादाजी को खाना खिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हम जाते हैं। अगर सर को एतराज ना हो तो एक बार सर को मिलाएं। आइए। चलो सर। इनका नाम है शरद। नमस्कार सर, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान है। हम जो मौत का मेला चलाते थे उसके बाहर की दुनिया के बारे में बताने वाला इंसान है। इस वजह से मैंने बहुत सारे दुश्मन भी पाल लिए हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनके दुश्मन तो होते ही हैं, कुछ समय बाद मायने नहीं रखते हैं। बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट में ध्यान चला जाएगा। नहीं तो खामोशी को अपना लेंगे। न्याय अन्याय के बीच में खामोशी को अगर तुम अपना लेते हो तो बात बन जाएगी। अगर शरीर में लड़ने का जोश होगा तो उस समय दिल में जो हो वो बता देना चाहिए। विजुअल्स मीडियम ज्यादा होने की वजह से जनता में एक बदलाव आ गया है, और ऐसे में लगता है कि जर्नलिस्ट अब कुछ कर सकते हैं। वेल, कीप इट अप। ये हमारे एटीट्यूड की समस्या है, हमारा जो अप्रोच है दैट इज इम्पोर्टेंट। दादाजी आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो ये आपकी किसी बात को मुद्दा बनाकर बवाल खड़ा कर देंगे। अब तो बहुत हो गया, अब मिलने का समय खत्म हुआ। तो फिर हम चलते हैं। हाँ। नमस्ते। जाकर आइए। तुम जल्दी आ जाना। जैसे आपकी इच्छा। चलता हूँ सर।
आज मैंने जो भी लिखा है वो वहाँ पर रखा है। नहीं दादाजी, थोड़ा और लिखिएगा। नहीं, अब मैं बहुत थक चुका हूँ बेटी। दादाजी आप बोलिए, मैं लिखती हूँ। दादाजी आप ही कहते हैं ना, थक कर बैठने से कोई काम नहीं होता। बैठ जाओ तो चलने का मन नहीं करता, चलने पर रुकने का दिल नहीं करता, और खड़े रहो तो बैठने का मन नहीं करता, बैठ जाओ तो लेटने का मन करता है। वैसे आपने जो लिखा है उसका लास्ट पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। केरला की आबादी में 18% या उससे भी ज्यादा क्रिश्चियन लोग 3 भागों में बटे हुए हैं, स्वर्णा क्रिश्चियनिटी, सूर्या क्रिश्चियनिटी, उसके बाद दलित क्रिश्चियनिटी। जब राम कथा केरला में बढ़ने लगा तो 7वें दशक से 12वें दशक तक बहुत ज्यादा फैलने लगा। उसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में मर्दों को ज्यादा अधिकार मिले। केरला में क्रिश्चियनिटी से ज्यादा राम कथा पर सवाल उठाने की नौबत आई। सामांतर का नजरिया उस जमाने से हुआ करता था। अभी के राज्य में प्रशासन को जरूरत है कि 16वें दशक में हमने जो नियम कानून बनाए थे उसके आधार पर जिसने हम पर राज किया, जॉन ब्रिटो, वाइस राय, ऐसे 3 लोगों ने जो नियम लागू किए थे, अभी उस नियम का पालन करना सही होगा। 1590 जून 15 तारीख को सामांतर नियमों को शुरू किया गया। उस समय उन नियमों को स्वीकारने के बजाय विरोध करने वाले हिंदुत्व लोगों को इतिहास में लोगों के विश्वास को दूर करने का समय था। जो सच है वो लिखने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लिख लो। पोर्चुगीज के लोग यहाँ आए थे, नसरानी लोगों के निजी जिंदगी को उजाड़ कर, उसके बाद पार्साज नेपोटिज्म संप्रदाय को लेकर उनके ऊपर दबाव डालकर उन्हें तकलीफ देने लगे थे। उसके बाद आराम से, थोड़ा आराम से। 1590 में उदयपुर में एक चर्च की स्थापना करते समय वहां सबके सामने पाश्चात्य संगठन के सामने सांसारिक रूप से गठबंधन करके हस्ताक्षर किया गया। इसका सबूत भी है। सबको अपने काबू में लाने के बाद नसरानी लोगों पर दबाव डालकर मंजूरी भी ले लिए थे। बेटा बेल की आवाज आ रही है ना? हाँ, लगता है कोई आया। कोई है। तो आया है। जरूरी काम करते समय ही लोग आते हैं। जरा मेरा हाथ थामना तो, मैं भी आता हूँ। आराम से आइए। पढ़ के आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ। आराम से बैठिए। हाँ, नमस्ते फादर। खुश रहो बेटी। कल कुर्बानी हुई थी क्या फादर? हाँ हुआ था। वैसे चर्च में मैंने तुम लोगों को देखा नहीं। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूँ, उस वजह से ही यहाँ पर आया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मान नहीं रहे लोग। बोले बिना मैं रह नहीं सकता। आज हॉल में हमने सभा बुलाई थी, चर्च को बंद करके ताला लगवा दिया है। जहाँ एकता नहीं होती वहाँ भगवान भी नहीं होते। वहाँ तो अभी भी 2 हिस्सों में प्रे करते हैं। तो फिर इससे पहले वो लोग प्रे कहाँ करते थे? यही समस्या है ना। चर्च के बगल में एक सामियाना बनाकर, खुशी की बात है, हमारे जैसी सुविधा वहाँ पर नहीं है। चर्च बंद करवा के दोनों पार्टियाँ अलग अलग पार्टी करते हैं सामियाना बनाकर। ये तो है, उसके बाद हम ईश्वर को इल्जाम लगाते हैं। तुम भी क्या बेटी, गाँव वालों की तरह बोल रही हो। तुम मेरा नाम जानती हो ना? क्या है मेरा नाम? जोशु फादर, क्लेवरल फादर, मताई जोश। ये हुई ना बात, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे मताई जोश के साथ साथ दूसरा नाम जानती हो ना? इल्वन नायर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मताई जोश वाइल। शक की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बड़े पिताजी का नाम जानती हो ना? अगर तुम नहीं जानती हो तो बता देता हूँ, एल्वनार वर्गीस मामा। हमारे चर्च को कैसे पहचान लेते? चर्च। इसमें कोई शक तो नहीं है, इसका मतलब हमारे पुरखों ने इस चर्च को बनाया था हमारे खुद के पैसों से।
और हमने किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं ली, ये तो तुम जानती हो ना। हमने चर्च को इसलिए बनाया था कि हमारी अगली पीढ़ी को ज्ञान मिलता रहे। अलेक्जेंडर साहब सब जानते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एल्वेनार चर्च के बारे में हमारी अगली पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। चर्च हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री के बारे में कहा जाए तो जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स। वो चाहे कुछ भी हो सर जी, लेकिन जिस चर्च को मेरे बड़े पिताजी ने बनवाया है, चर्च के बारे में बताने के लिए मुझे रोको मत। आपके जो बड़े पिताजी हैं, उन्होंने चर्च किसी को दान में दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अधिकार बदलता गया। सर आप ना कुछ अलग इतिहास बता रहे हैं। जब चाइना वालों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, तब उस जमीन को लेकर दोनों तरफ के लोग अपना अपना कह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपकी बात है, हम जो जंग लड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारे चर्च के लिए। कैथोलिक कोस्ट का मतलब है हम सबको सहारा देने वाले हैं। अगर सच कहा जाए तो सबको सम्मान नजरों से देखा जाए और सबकी सहायता करने के लिए पादरी या फादर लोगों को समझाते हैं। जो मध्य स्तर इंसान है, मध्यांतर मतलब हर किसी को चाहने वाला और उनको पसंद करने वाला, लेकिन इसे अपनी खुदगर्जी के लिए बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्या करें, आजकल नई नई प्रक्रिया आ रही हैं। टीवी सीरियल ने क्या कहा, क्लीनेसिव का क्या मतलब है फादर? काजू का बीज। क्या बताया बेटा? इसका मतलब है, क्लीविज का मतलब है काजू का बीज। इलियास के बाबा ने समानता और शांति के बारे में बताया था। सर जी आपके दादा परदादा हमारे साथ रहते थे। वो तो सही बात है, लेकिन भगवान का नाम लेकर आप जो दंगा फैला रहे हैं, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो। सर अगर आप जैसे लोग ऐसा कहेंगे तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। सर मैं आपका साथ देने के लिए वो चर्च छोड़ के मैं आपके पास आ सकता हूँ। उसके अलावा आपको सभापति का भी दर्जा देंगे, पोजीशन ही अहम बात है ना। वो सब मुझे नहीं चाहिए। सभापति ये सब तो आपने पहले ही किसी को दे रखा है ना, सीपी राठी सर को। मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर आपको देना ही है तो हमारे गुरु भाई या एंथनी को दे दो। सभापति या फिर साहित्य अकादमी, नहीं तो नोबल कोविदन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े कलाकार। क्या बात है फादर, आप खुद फैसला लेते हैं कि इस बात के बारे में। अरे कला भारती या फिर भारत के कला संस्थान। वैसे दादाजी ने कभी कोई कविता नहीं लिखी है महापुरुष बनने के लिए। अरे आजकल तो कोई भी दर्जा दे देते हैं और ले भी लेते हैं अभी जरूरत पड़ने पर। मैं भी एक दो कविता लिख कर दूंगा ना। एक इंटरनेशनल फिंगर को हमारे लोग साथ नहीं देंगे तो हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। सर ये बात ध्यान में रखिए, मैं एक फैसला लेने वाला हूँ। फैसला तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना। वो अपना फैसला ले चुके हैं, उनसे भी बढ़कर हमने प्लान बना रखे हैं, हम उनसे अच्छा करेंगे। सर आपसे सिर्फ एक विनती है, बस सर आप हमें अपना कीमती समय दे दीजिए बस, और पैसे का मामला हम देख लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ममोटी या मोहनलाल को बुलाकर स्टार नाइट प्रोग्राम करके सिनेमा स्टार के बीच में आपकी कविता का हम ऐलान कर देंगे। बेटी जाकर खाना लगाओ। अन्ना माँ। हाँ दादी। सुन लिया मैंने। फादर आप भी आइए, हम खाना खाते हैं। ओ, आज मेरा उपवास है, मैं 3 बजे के बाद ही खाना खाऊंगा, तो मैं अभी चलता हूँ। सर आप जरा ठीक से सोचिए। ठीक है फादर। सर उस टोपी को जरा निकालना। टोपी को? हाँ सर। अभी चलेगा ना? सर आपको गांधी कहकर बुलाने की क्या वजह है? मेरे पिताजी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है, वो बहुत बड़े गांधीवाद हुआ करते थे। नाम है साधुजन। साधुजन का नाम यहाँ हर कोई जानता है। स्कूल में पढ़ाते थे, मुंशी थे। मैं भी एक गांधी भक्त हूँ और इससे मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मैं बचपन में एक बार साबरमती भी गया हूँ। वैसे सर आप जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से क्या करते हैं? मैं गांधी गृह पे काम कर रहा था, खादी क्राफ्ट में मुंशी का काम करता था जी, रामचंद्रन जी के साथ, फिर अलेक्जेंडर सर जी के साथ, फिर जुब्बा रामकृष्ण सर के साथ भी मैंने काम किया है। छिलके और तने के जरिए गांधी जी की प्रतिमा बनाने के पीछे कोई अलग वजह है क्या? आई मीन शिल्प बनाने का। उसके पीछे एक कहानी है।
अब हुआ ये था कि हमारे घर में पेड़ का एक हिस्सा पड़ा रहता था। सच बताऊं तो मैं एक दिन पेशाब करने गया था वहां, पर जो पेड़ का हिस्सा था अचानक उस पर मेरी नजर पड़ी। उसमें एक चेहरे का अक्स नजर आ रहा था। मैं उसको गौर से देखने लगा, तब मुझे लगा कि महात्मा जी जो ठंडी यात्रा कर रहे थे उसका वो चित्र मुझे उस जड़ में दिखाई दिया। वो ग्रंथ को देखकर ही मैं तो हैरान ही हो गया था, और वहीं मेरे दिमाग की एकदम से बत्ती जल गई थी, और तभी से मैंने ये शुरू कर दिया। उससे किसी और की प्रतिमा बनाने के बजाय सिर्फ गांधी जी की प्रतिमा बनाने के पीछे क्या वजह है? मुझे तो गांधी की शिल्प बनाने से आसान दूसरा शिल्प बनाने में लगेगा, लेकिन कोई भी पेड़ की जड़ दिखती है तो मैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बना देता हूँ। हमारे लेखक है आनंद जी, जिन्होंने जनार्दन और गोवर्धन ग्रंथ लिखा है। महात्मा जी की किताब में उन्होंने इस घटना को पहले ही लिख दिया है। प्रतिमा को बनाकर आग में गर्म करके रखा है। किसी और की प्रतिमा बनाने की कोशिश नहीं की कभी? की ना, कभी कभी मैं जीसस की प्रतिमा बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा रिस्क है। एक दिन मैं शिकार करने के लिए गया था, तो वहीं जंगल में पेशाब करने के लिए गया। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था, तो उसी पेड़ की जड़ में मुझे अचानक अब्राहम लिंकन के चेहरे का अक्स दिखाई देने लग गया। मैंने थोड़ा बहुत छानबीन किया तो बिल्कुल अब्राहम लिंकन ही लग रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक छिलके में या जड़ के हिस्से में किसी महापुरुष का चेहरा दिखता है ना? हाँ, ठीक कहा, 100% सही है ये। हर किसी जड़ के हिस्से में कोई महापुरुष छिपे हुए हैं। हम अगर कोशिश करें तो हर किसी का शिल्प बना सकते हैं। अच्छा, एक रहस्य की बात बताता हूँ मैं। एक एनाटॉमी को लेकर देखा तो मेरे सर हर महात्मा जी के सर में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो ठीक है, अब हो गया ना, इसे निकाल दूं क्या? आप हमें स्टूडियो दिखा दीजिए जरा। स्टूडियो है? हाँ हाँ, इसे स्टूडियो नहीं बोल सकते, फिर भी चलिए दिखा दीजिए। केरला में गांधी जी की डिमांड नहीं है। ऐसा है क्या? वैसे अगर हम मुफ्त में देंगे तो लोग लेकर जाएंगे। अरे, पैसे देने से भी बहुत कम लोग लेकर ही जाते हैं। एक्सक्लूसिव। ये है कूलिंग, बहुत अच्छा है। इसे हम बेसिक टूल बोलते हैं। इसके जरिए हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, समझे ना? यहाँ लोग ऐसे ही हैं क्या? इससे भी हम काम करते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। इसे पॉलिश करके शाइन पेपर से भी इसे पॉलिश किया जाता है। मैट फिनिश है ना? इसे मैट फिनिश बोलते हैं। दवा नहीं खानी क्या? की लीजिए। पैर संभाल के रखिए, संभल के बैठिए। हे ईश्वर, आप इस बच्ची की रक्षा कीजिए। हर रात को मैं जब सोता हूं तो सुबह उठूंगा या नहीं ऐसा मुझे लगता है। सुबह उठने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूं। आपके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं हर दिन ऐसे ही सोचता हूं जैसे मेरी मौत मेरे करीब आ रही है। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि मैं किसी को तकलीफ दिए बिना ही चला जाऊं। शांति की मौत, सुरक्षित मौत, किसी को तकलीफ दिए बगैर एक ऐसी मौत। दादाजी, आपकी मौत के बाद मेरा कौन है? मैं अकेले पड़ जाऊंगी। बेटी, ये यात्रा तो एक दिन सबको करनी है। इससे पीछे तुम नहीं हट सकते ना। मेरी समस्या भी सिर्फ तुम्हारे बारे में है। एक औरत अकेली नहीं जी सकती आज की सोसाइटी में। अगर कोई जिम्मेदारी निभाने वाला तुम्हारा हाथ थाम लेता है तो मुझे चैन मिलेगा। आप सिर्फ नेगेटिव बातें मत सोचिए, पॉजिटिव बातें सोचिए। कल जो काम हम करने वाले हैं उसका प्लान करते हैं। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेटी। अभी इस जन्म में उठकर
और कोई कर्म करूं, इतना समर्थ मुझ में नहीं है। नहीं है बेटी, हम सारी समस्या को भगवान पर छोड़ते हैं दादाजी। मैंने अपने जीवन में अब तक बहुत दुखों को सहा है बेटी। सच कहूं तो खुशी की जिंदगी कभी नहीं, फिर भी तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत चिंतित हूं। मेरी बात छोड़िए, मैं किसी भी तरह जी लूंगी, वो ईश्वर हमेशा मेरा साथ देगा। मेरे जैसे इंसान को ये बातें नहीं भूलनी चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी एक ख्वाहिश है, पता नहीं मैं इसे सच कर पाऊंगा या नहीं, देखा जाए तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। हमने जिसको कभी मौका नहीं दिया है वो हमारा शरीर है, जो हमारा साथ देता है। मेरा एक स्वार्थ है, जहां तुम्हारी दादी माँ को दफनाया गया था और जहां तुम्हारे माँ बाप को दफनाया गया था, उसके बगल में ही मेरी भी कब्र खोदना और वहीं पर मुझे दफना देना, मुझे उन्हीं के बीच में रहना है, यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। आप ये क्यों बोल रहे हैं दादाजी? कौन जानता है कि पहले कौन जाने वाला है? कोई भी काम हमारे हाथों में नहीं है। आप प्रे करके सोने की कोशिश कीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से। हेलो। हेलो, हाँ कौन है, पता चल रहा है क्या? हाँ पता चला, किसका नंबर है ये? मैंने जो सेव किया था वो दूसरा नंबर है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरी जान, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे चेहरे का भाव पता चल जाता है। कोई सवाल है जो तुम्हारे दिल में कचोट कर रहा है, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ कोई और नहीं जानता होगा। मैं और दादाजी मौत के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। वाह कमाल की बात है, एकदम फैंटास्टिक सब्जेक्ट है ये। वैसे ये सिनेटोलॉजी सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इस तरह की बातों में मेरा वक्त जल्दी गुजर जाता है। फिल्म चलाने के लिए हम सामियाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ सामियाना के साथ फिल्म उजाड़ने की नौबत आ गई है। उस बात को भूलने के लिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अभी तुम उसी बात को दोहरा रहे हो। ओके, स्वीट ड्रीम्स।
मुझे दीजिए। अरे कुछ खाकर भी जाओ, मुझे चलकर जाना पड़ जाएगा। ये क्या है, इसमें तो नारियल की चटनी नहीं है। अरे मैं कहाँ जाऊँ नारियल के लिए, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ऐसे भी नारियल का भाव क्या है पता है तुम्हें, सोने से भी ऊपर है। उसके बाद भी नारियल का भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा नारियल बहुत महंगा मिलता है। केरला में गरीबों का पेट भरने वाले नारियल को उठाकर बेचने की बात करेंगे तो हम जैसे गरीब लोग नारियल खरीदने कहाँ जाएंगे। सबकी इजाजत लेकर, नेता लोगों की परमिशन लेकर, किसानों की भलाई के बारे में सोचकर इस केरला में सब लोगों को मिलकर नारियल का प्राइस घटाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोगों को यहाँ पर नारियल की चटनी खाने के लिए मिल सकती है, तभी मिल सकती है। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं, सुबह सुबह उठकर मुझे परेशान करने में लगी है ये। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, तुरंत उसे पकड़ लेती है ये सब कैसे चलेगा। पैसों के बारे में ध्यान नहीं देने वाली इस पीढ़ी से बात करके क्या फायदा होगा। आपके जमाने में मिर्ची, प्याज और बैंगन एक ही भाव में बेचते होंगे, उस भाव की तुलना आज के भाव से मत कीजिए। समझ गई? मैं समझ गई मेरी माँ। अच्छा, तुमसे बहस करना तो मेरे बस में नहीं है। एक दिन इसे कोई जाल में फंसा कर ही ले जाएगा। दादाजी को दवाई दे दी क्या? वो सब दे दिया, दोपहर का खाना दे देना। और हाँ, बीच में चाय मांगेंगे तो दे देना। समझ गई? हाँ समझ गई। जो समझ में आने वाली बात है वो भी समझ में नहीं आई तो समझ में आने वाली बात भूल जाते हो। कुछ समझ में आया? ना, समझने वाली बात तो खुद करती है। अगर तुम्हें अपने बारे में समझ में नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें जो कल बात बताई थी ना। कौन सी बात? हमने कई सारी बातें की थी, आपका पता नहीं आप किस बात के बारे में बात कर रही हो। उनमें से कौन सी बात है? मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था ना, मेरे छोटे बेटे की बीबी के बारे में, वीके वनियान। यस, प्रोसीड। अगले सप्ताह बच्चा होगा ऐसे डॉक्टर ने कहा है, उसे कुछ अपनी तरफ से देना पड़ेगा ना। इस बात पे ज्यादा जोर मत डालो, बस शुक्रिया कहो काफी है। अरे मजाक मत उड़ाओ, अभी अस्पताल का खर्चा ज्यादा होगा। तो तुम्हें कब चाहिए पैसे? अगर आज या कल मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे डॉक्टर ने बोला है। उससे कह दो कि वो 2 सप्ताह के बाद बच्चा पैदा करे, तभी मेरे हाथ में पैसा आएगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, जब हाथ में पैसा होगा तब बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? ये क्या हो रहा है, भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो लेकिन कुछ चीजें रखने से पैसा हो सकता है, अगर ये दोगी तो भी काफी है। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इसे छुड़ा लेंगे। इस बात को अपने दिल में ही रखो, बहुत संभाल कर रखने वाली चीज है, इसको गहना समझकर नहीं पहना है। दादाजी को अगर कुछ हुआ तो अस्पताल के खर्चे के काम आएगा, आखिरी समय की उम्मीद है ये। तुम इसको गिरवी रखने की बात कर रही हो? वो छोड़िए, मैं आपको कितनी तनख्वाह देती हूँ? तनख्वाह? क्यों मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हो तुम? अरे बताइए ना दादी माँ, जनता जानना चाहती है। कुछ भी कहो, 10,500 रुपया ही है ना? सही है ना? मैं हर महीने आपको टाइम पर दे रही हूँ ना। 10-12 साल होने के बाद लोग बोलेंगे कि अयो ये बेचारी को बस अभी तक 11,000 ही पगार देते हैं। मैं कहीं और जाकर काम करूँगी तो कम से कम मुझे तनख्वाह 15,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। कई लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे काम का। अरे वाह, इंतजार करने के लिए तुम अभी भी जवान हो। सुनो, उस गांधी के सामने जाकर मत खड़ी हो जाना। हाँ। नहीं तो वो जड़ से तुम्हारी प्रतिमा बनाकर किसी को बेच देगा, वो महात्माओं की खोज में रहता है, खासकर उम्र में थके हुए महात्माओं की। बाहर किसी से पूछ कर देखो, घर में काम करने वाले को
कितना पैसा मिलता है? सारा खर्चा देकर 15,000 गिन कर देते हैं। देखना चाहती हो? और क्रिसमस में कपड़े भी, मिठाई, बोनस, इस तरह से बहुत कुछ देते हैं। सुन लो, तुम तो क्रिसमस पे, ईस्टर पे ना कपड़ा देती हो ना बोनस देती हो, इसके बाद भी मैं तुम्हारे घर पे काम करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, ऐसा बोलना मत। आपने ये बात मुझे बताई, ऐसा मुझे क्यों सोचना? मेरे यहाँ आने के बाद आज तक तुम लोगों ने कितना कपड़ा दिया है मुझे और कितना बोनस दिया है? कीमती चीजों को छोड़कर कोई मामूली चीज भी दी है क्या? बहुत हुआ नम्मा अगस्टन जी। दादी जी, वैसे आपको 16,500 पगार देने वाले मालिक की तनख्वाह कितनी होगी आपको पता है? और आपको बता दें, इस बेचारी सेल्स गर्ल को मिलने वाली तनख्वाह, एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताती हूँ, हर महीने मेरा पगार सिर्फ 8,000 रुपये है। समझ में आया? इतने में मैं कैसे गुजारा करूँगी? मैं बस यही सोचती रहती हूँ। वैसे भी इससे आपको क्या लेना देना, आप ऐसा भी सोच रही होंगी। फिर भी दादी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं महीने का सिर्फ 8,000 ही कमाती हूँ। तो फिर 16,500 पगार देकर काम करने वाली को रखने की मेरी हैसियत नहीं है? मैं आपको पगार दादाजी की पेंशन से देती हूँ, उसके अलावा इस घर के बाकी खर्चे, दादाजी की दवाइयाँ सब चला रही हूँ। लेकिन दादी, आपने बताने पर मजबूर कर दिया। दादी, मैं आपको जो पगार दे रही हूँ वो बहुत कम है। अगर आप कहीं भी जाएंगी तो आपको कम से कम 15,000 मिल ही जाएगा, यहाँ से ज़्यादा। अगर आप गल्फ चली गई तो आपको 1,00,000 रुपए भी मिल सकते हैं हर महीना। लेकिन इतनी पगार देने वाला 1,00,000 रुपए तो कमाता ही होगा। मैं आपको अपना पगार भी दे दूँ तो भी उतना नहीं हो पाएगा। आपको कहीं बाहर भेजना भी मेरे बस की बात नहीं है। दादी माँ, आपको ये घर और ज़मीन देख कर लग रहा होगा कि मैं बहुत अमीर घर की लड़की हूँ, लेकिन ये मेरे माँ बाप का बनाया हुआ बस एक हिस्सा है। मैं जा रही हूँ दादी माँ। दादी माँ, हम अपनी परेशानी को परेशानी की नज़र से देखते हैं। हम ये परेशानियाँ एक दूसरे को बताएंगे तभी हल निकलेगा। हमारी अच्छाई इसी में है। और इसके अलावा हम जो ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिलने वाला भी नहीं है। हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। कुछ चाहिए हो तो फोन कीजिएगा। फिर भी इस चेन को गिरवी रखकर तुम्हारा काम बनता है तो रख लो। लो, गिरवी रख दो इसे। नहीं चाहिए बेटी। अरे, फिलहाल के लिए रख लीजिए। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ रही हो क्या? बेचारा, मानना पड़ेगा, वायनाड में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी सरकार कृषि उद्योग के लिए बहुत पैसे खर्च कर रही है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इसे यहाँ रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठा लेना। हाथ में रहेगा तो रेडिएशन बढ़ेगा और कान में लगाने से ब्रेन प्रभावित होगा। अच्छा सुनो, तुमने फेसबुक नहीं देखा क्या? देखा करो तुम फेसबुक। हाँ, यहाँ पे जो भी रखा है रखा रहने दो। एफबी देखो, एफबी। हाँ, अच्छा छोड़ो, क्या नाम बताया तुमने अपना? विमला। छी, बेकार नाम है ये, विमला। ये नायर के घर में रखने वाला नाम है। जरा तुम्हारे चेहरे को देखने दो। तुम एक काम करो, तुम अपना नाम मैक्सिमम एलिया रख लो, अच्छा नहीं रहेगा तो सोसामा रख लो। हाँ, ये क्या है, क्या है ये? ओ, ये मातृभूमि किताब है। इसको यहाँ पर किस लिए रखा है पता है क्या? तुम्हें पगार देकर काम पे रखा है किस लिए मालूम है क्या? अखबार पढ़ने के लिए नहीं, और वो भी मुफ्त में। सर, मैं वो सर कह करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। ऐसे गलतियां करके बुलाती रहोगी रोज सर। अरे वैसे मैंने तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ाया?
मुझे सर कह रही हो तुम, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे सर। वैसे मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद निकल जाओ तो अच्छा रहेगा ना। अब कितनी भी गाली दे लो, ये बेशर्म लोग काम छोड़कर जाते ही नहीं है। दादी माँ वो फोन दीजिए मुझे। तुम्हारा फोन यहाँ कहाँ है? छोड़िए, वो फोन दीजिए मुझे, ये लो। सर आपके लिए फोन है स्टूडियो रूम में। हाँ एक मिनट। कुछ लोग बोलते थे लेकिन इतना ज्यादा होगा मैंने सोचा नहीं था। सॉरी सर। हेलो, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई? एक मिनट ये निकल ले रहा। हाँ बोलो विमला, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। मुझे तुमसे मिलना है, मैं बगल की शॉप से फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन मेरे मालिक ने ले लिया है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, आफ्टरनून में मिलते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं दुकान से ज़रा जल्दी निकल जाऊँगी। ठीक है। प्रदीप एलिमिनेशन है ना? नेक्स्ट वही है सर। ओके ओके। कैसे कैसे पागल लोग आते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है हैरेसमेंट। मैंने एक संगठन की किताब में पढ़ा था, वो भी संख्या के साथ, उसके भाग में लिखा हुआ है, यू गेट ट्रीटेड द वे यू टीच अदर्स विल ट्रीट यू। हम जिस बात को जानते हैं वही बात दूसरों को भी सिखाते हैं। इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, यू सी। किसी यूरोप की किताब को पढ़कर इस तरह से एनालिस्ट मत किया करो। यहाँ के आसपास के लोग और वहाँ के लोगों में बहुत अंतर है। अगर अमेरिका के इर्द गिर्द के मुताबिक के काम करने होने के बाद दूसरे काम में ढूंढेंगे तो ऐसा होना भी किताब में लिखकर रखा होगा। ऐसा नहीं है, मैं उनके ऊपर बोझ बनकर रह गई हूँ, उन्हें लगा होगा मैं इस्तीफा देने वाली हूँ। ये मेरी बेबसी है कि मैं इस सिचुएशन में इस्तीफा नहीं दे सकती। आई कांट अफोर्ड इट। कई बार दादी माँ ने भी पूछा। कौन? तुम्हारी इस दादी माँ के बारे में? हाँ वही पूछ रही थी, काम पे जा रही हो। और आज हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई, मेरी चेन भी उन्हें निकाल कर देनी पड़ी। जब मैंने देखा तब मुझे लगा, वैसे भी उस चेन को अक्सर पहन कर आती हो ना, मैंने इसलिए नहीं पूछा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इट्स ऑल राइट। हाँ तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि दादी ने पूछा कि बेटी तुम काम पर क्यों जा रही हो, तो मैंने बोला आपको पगार नहीं देना क्या। वैसे भी दादाजी की पेंशन को लेकर हम दोनों यहाँ अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं ये सारी बातें जानती हूँ, उसके लिए मुझे एक अच्छा साथी चाहिए। आई नो इट, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं भी समझ रहा हूँ, सच कहा जाए तो मेरी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजर रही है, भले उस अकेलेपन में नुकसान हो जाए फिर भी कोशिश करता हूँ, somehow I can adjust। एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बस तुम्हारी कंपनी मिल रही है। कंपनी तो ठीक है पर शादी के बारे में भी नहीं, लेकिन अभी शादी के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि कई मुश्किलों के अलावा घर चलाने की परेशानी, यही सब मेरे दिल में चलता रहता है। बस एक फॉर्मेलिटी के नाम पे मैं जी रही हूँ, एक तरफा इनबैलेंस होगा तो भी चलेगा, अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो एक साड़ी खरीद कर उस पहाड़ी पर डालना है। यू सी, हमने एक साथ मिल्क शेक पिया था, पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। ओ नो, तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, अगर ये समय बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? ये क्रिश्चियन है कहकर कम्युनिस्ट वालों ने बाहर निकाल दिया, कम्युनिस्ट वाले भी ऐसे बोलेंगे क्रिश्चियंस को। इट्स ए विशफुल थिंकिंग। ये सब छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, सर से भी मिलना है, कुछ बातें करने का समय आ गया है मुझे लग रहा है, आने में मैं देरी नहीं करूँगा। 15 दशक में एक साथ रहते थे पहाड़ों में रहने वाले लासस के पीढ़ी। पोर्चुगीज के आने के बाद इनकी जिंदगी में बदलाव आया, पहाड़ी आदिवासी लोग
आस्था के मामले में ध्यान देने लगे। इसके बाद समस्या शुरू होने लगी। सच कहा जाए तो जिनके हाथ में अधिकार था, पोर्चुगीज लोगों की वजह से मनगर समुदाय को नीचा दिखाने लगे। सन 1599 में उदयपुर स्थान में लकीम की आस्थाओं को अधिकार देने लगे। तब साथ देने वाले संगठन दर्शियन संगठन को आगे लाने लगे और उसे कैथोलिक समुदाय को अनुमति देने लगे। फिर रोम में तमिल भाषा की अनुमति लेकर प्रे करने लगे। वैसे मल्लिक समुदाय में थोड़ा बदलाव आया था, कई कला और कई किताबों को नष्ट कर दिया गया था। तब दिल में जो आस्था और कला को लाने के लिए मलागिरी के आदिवासियों ने कोशिश की थी, और उनकी ये कोशिश थी कि लोग दर्शनीय संगठन को आगे लाने लगे। सन 1953 में सब लोगों ने मिलकर कसम खाई थी, ये तो सच है। अपने दिल की बातों को विस्तार से रखने के लिए यहाँ शब्दों को लिखना चाहिए। जो पढ़ता है उनको एक इंसाफ भी चाहिए। तो फिर मैं खुदगर्ज हूँ, ये आप बोलना चाहते हैं? हमारे सभा और आस्था से प्रेरित लोगों को काबू में रखना है तो थोड़ा खुदगर्ज बनना पड़ता है ना। वैसे ये उत्सव क्यों चाहिए मैं सोच रहा हूँ। फिर से पुरानी चीजें आक्रमण करने लगी हैं, ऐसा मेरा विचार है। आज की प्रक्रिया कल का इतिहास बनकर युवाओं को भड़काने का काम करेंगी, फिर अपने अधिकार को हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगे जब ईश्वर चर्च को छोड़कर चले जाएंगे। अरे तुम कहाँ थी बच्ची? बस छोटा सा काम था फादर। वैसे तुम्हें सभा परिवर्तन में तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए, तुम आजकल चर्च में नहीं दिखाई दे रही हो। सही कहा, मुझे वहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया। आखिरी बार दुआ प्रेयर में आई थी, देखा जाए तो अनबू भाई की प्रार्थना के समय और पिछले रविवार की प्रार्थना के दिन। वैसे काफी लोगों को याद भी करना पड़ता है ना। तो फिर वहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? उस दिन का दर्द अभी तक नहीं गया है फादर, उस बात को लेकर हम आज तक झेल रहे हैं। तकरीबन 2-3 जगह ऐसा हुआ है। अरे डरपोक है वो लोग, मरने के लिए उतर गए लेकिन उन्होंने कदम पीछे हटा लिया ना, डर कर भाग गए, देखा तुमने? 100 साल पहले जो मर गए उन्हें याद करके हम सबको साथ मिलकर प्रेयर करनी चाहिए। करनी चाहिए, जब हमने बंटवारा किया था तो वो प्रक्रिया करने का हक हमें मिल गया था। तब उन लोगों ने उत्तम पट्टी में कब्रिस्तान बनाया था, मरे हुए लोगों को वहाँ दफनाने नहीं दिया गया था। आखिर में पुलिस वालों ने आकर दोनों पार्टियों को अलग करके प्रेयर करने दी। अभी वैलिन वर्गिस को श्रद्धांजलि देनी है तो पार्टी के अलग अलग दो भाग कर दो, प्रार्थना के लिए आसानी होगी। पिछली बार लाश को ले जाते समय मारपीट होगी ऐसा मुझे लग रहा था, पर किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। वैसे हम लोग चर्च जाएं या ना जाएं, पर आपस में ना लड़े मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उनके आने से हम लोगों को प्रार्थना करने में मुश्किल होती है। उनका हक है, इस बात पर ध्यान दो। वैसे इनको पहचाना नहीं? ये मेरा पुराना शिष्य है प्रदीप। अच्छा, हमारी बिरादरी का है क्या? वैसे आजकल नाम से किसी को नहीं पहचान पाते। 7 साल पहले हमारे विलियम के बेटे का नाम अर्जुन था, अर्जुन्ना कुरियप्पन। ये सब जानने के बाद ही हम आपस में बात करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रदीप सर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है? फिर भी वो एक तनख्वाह, एक चिल्लर है। सबको अपनी बातों में उलझाइए मत, इवन सभा के मामले में भी। किसी तरह से भी देखेंगे तो कुछ लोग धोखा देने वाले हैं और कुछ लोग अन्याय को बढ़ावा देने वाले हैं, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे दबाव डालकर राज करना उचित नहीं है। खैर जाने दीजिए, मैं जो बात बोल रहा था मैं फिर से पढ़ता। सभा चरित्रम, चर्च हिस्ट्री, आगे होने वाला है खेल। हेलो, हाँ मैं अलेक्जेंडर सर के घर पे आया हूँ। नहीं उस बारे में नहीं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ छोटी माँ है, उनका छोटा बेटा बीमार है, डॉक्टर से मिलने जाना है। वैसे वो आदमी चर्च का सेक्रेटरी भी है, उनके पास औरतें बहुत हैं लेकिन हमारी बिरादरी के नहीं, बहुत स्ट्रांग है। सर मैं अभी निकल रहा हूँ, ठीक है? जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। तो फिर हम थोड़ा प्रार्थना करके निकलते हैं। पिता विन्नम पुत्रम विश्वरूहाय किम स्तुति।
തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായ ബലവാനായ ദൈവൻ തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे आपको क्या हो गया दादी माँ? मेरी बेटी तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। दादी माँ फिलहाल के लिए ये आप अपने पास रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपसे ले लूंगी। अरे बाप रे, दादाजी के कमरे में मोमबत्ती जलाई? मैंने लाकर रख दिया है, बस जलाना बाकी है। ठीक है, फिर आप वहां जाइए। वहां करंट चला गया क्या दादाजी? हेलो, अभी पहुंचे? वैसे तुम फ्री हो ना? वैसे वहां कोई माइक्रोमीटर तो नहीं है ना? मैं ऐसा पूछने वाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि हमारी आंखों में रोशनी है वो हमारे शरीर के सारे अंग में होती तो। तुम्हारा मतलब? अरे मेरा मतलब है कि जब हम अपने आंखों से नहीं देख पाते तो हमारे शरीर के अंग से जिससे देखना चाहते हैं और जिससे नहीं देखना चाहते हैं ऐसा कर पाते हैं ना। उसी तरह हमारे कान से जो हम सुनना नहीं चाहते वो सुने, तो अगर हम ऐसा कर सकते तो कितना अच्छा होता। उसके लिए भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। अगर शरीर के बाकी अंगों को बढ़ावा देंगे तो हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी, जैसे कंप्यूटर चिप, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। फिर हम भी ज्यादा लालच करते हैं बेटा दिनेश, ज्यादा लालच करते हैं। मैं इस तरह के परिणाम की उम्मीद करता हूँ। फ्रॉम इट टू मैन, अगर ऐसा हो जाता तो मैन से सुपरमैन या फिर मैन टू गॉड मैन। एनीवे लेट बी ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ करंट भी नहीं आ रहा, परेशान हूँ। उसके अलावा मुझे गुस्सा भी आ रहा है। हमारा जो गुस्सा है वो अभी किसी और के हाथों में है ना? हमारी विचारधारा को कंट्रोल करने वाला अभी उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में है ना? वैसे हमें गुस्सा क्यों आता है दूसरे पर जो उम्मीद रखते हैं? शुरू हो गया, मैं जो भी बात करती हूँ उसका मतलब ढूंढते रहते हो। अगर ऐसे ही रहा तो आगे चलकर क्या होगा? डोंट बी सीरियस, हमारे कल्चर के मुताबिक करंट जाने पर हम आमतौर पर गुस्सा ही होते हैं। पावर कट अभी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। अगर हम इस बारे में बात करते रहेंगे तो लोग हमें उस समस्या का हिस्सा बनाकर दूर हटा देंगे। समस्या सिर्फ मिसमैनेजमेंट की है, इसके अलावा प्रोफेशनल मुद्दे पर भी बोला जाएगा। पर्सनल मैनेजमेंट ना करने की वजह यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक हिसाब से बोला जाए तो जन जनार्दन की पॉलिसी। वो छोड़ो, तुम घर कब पहुँचे? पुनीत भाई ने मुझे यहाँ तक अपनी गाड़ी में ड्रॉप किया था, एक वेटिंग भी है। कुछ भी कहो ये अप्रिशिएट की बात है। बेटी दादाजी बुला रहे। मैं आती हूँ। ठीक है, दादाजी बुला रहे, मैं बाद में बात करती। नहीं, मैं खुद फोन करूंगा। ठीक है, ओके, बाद में फोन करना। ओके बाय, गुड नाइट। बेटा, दादाजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंधेरा हो गया है ना, आगे का दरवाजा बंद कर दिया क्या? सब बंद कर दिया मैंने। इस वक्त किसने फोन किया था? अरे प्रदीप था, करंट आ गया। प्रदीप था, मैं बहुत देर से बात कर रही थी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उस फोन कंपनी वाले को फंड दिया है ना? आजकल के नौजवान फोन कंपनी की अर्थव्यवस्था हैं। ये आजकल के नौजवान, ये लोग बिना कंट्रोल के ही बातें किए जाते हैं। दादाजी आपको बहुत नॉलेज है, वैसे आप कविता लिख ही रहे हैं,
लेकिन किसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमें फोन पे बात तो करनी पड़ती है ना। फिर भी ऐसा हो जाता है, जैसे उनसे बात करती हूँ ऐसे किसी और से बात नहीं करती। नॉट बिकॉज ऑफ वो मेरा पसंदीदा है, ऐसा बोलेंगे तो हिपोक्रेसी हो जाती है, बट आई कांट अफोर्ड इट। वो प्यार के नाम के लेक्चर भी दे रहा है, सब पैसे का खेल है। सच है, आई मोनेटाइज कॉस्टली अफेयर। बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें हमेशा मेरी बधाई हो, तुम हर दर्द को खुशी से सह लेती हो। त्रिवांगुर के लोगों में एक मानसिकता की बीमारी है, दर्द के मौके को भी खुशी में बदल लेते हैं। शांति की किताबें मैंने ज्यादातर पढ़ी हैं, लेकिन ये सब भौतिक जिंदगी का जीने का एक सहारा है। किसी ने लिखा है, कन्वर्ट टू प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही दुख का मौका बदल लेना भी एक जज्बा है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। बना रहेगा इसका मतलब पैसे को लेकर या फिर आशीर्वाद को लेकर? मैं जाकर सोती हूँ दादाजी, गुड नाइट। वैसे एक बात तो भूल गई, आपने प्रार्थना नहीं की ना? प्रार्थना की बेटी, प्रार्थना की। आज मैंने बहुत प्रार्थना की। और एक बात बेटा, मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, दर्द को मौके में बदलना चाहिए। अभी ऐसी स्थिति में मैं भी हूँ, तुम शायद नहीं जानती। बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था, उसके बाद मैंने बहुत दुखों को झेला बेटा, और तभी मैंने सीखा कि जिंदगी को कैसे जीते हैं। फिर तुम्हारी दादी की मौत हो गई, फिर तुम्हारे डैडी की मौत हो गई, उसके बाद तुम्हारी मम्मी। ये सब देखने के बाद मेरी जिंदगी में खुशी का नाम ही नहीं रहा, और अब उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं। सच कहूं मुझे बस एक ही बात सता रही है, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? आप ये सब मत सोचिए, वो सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। आप भी बेटा सो जाइए। तुम सो जाओ। गुड नाइट। नहीं, और थोड़ा सा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे ना। ये लीजिए थोड़ा सा खाइए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे लीजिए थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा खाइए। बस हो गया ना दादी माँ, ये दवा रखिए, खाने के बाद दे देना। मुझे लेट हो रहा है, और लेट हुआ तो मालिक आज गाली देगा। दादाजी की हालत ठीक नहीं लग रही है, लगता है इनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हाँ। अस्पताल जाना है क्या दादाजी? नहीं नहीं चाहिए बेटा। अगर चलना है तो मैं आज काम पर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ बेटा। दादी माँ, उस छोटे डब्बे में एक टैबलेट है, अगर कुछ दिक्कत हो तो जीप पे रखिएगा। हाँ वो टेबल पर रखिए। हाँ। मैं जानती हूँ, मैं दे दूंगी, अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है कर दूंगी बेटी, तुम जाओ। दादाजी आपको परेशानी? नहीं बेटी तुम जाओ, बस थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सुनिए उस दवा को जरूर ले लीजिएगा, दादी माँ देंगी। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा पैकेट ला कर रखा है। हाँ। अगर मैं दुकान नहीं गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं हाँ। जरा जाकर आती हूँ। हे ईश्वर, इस बच्ची को अनाथ मत बना देना, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी आ रही है इस पे, कितना झेलेगी ये बच्ची। अरे तुम वापस क्यों आ गए बेटी, तुम तो जा रही थी ना। कुछ तकलीफ हो रही है दादाजी? कुछ नहीं बेटा। जाओ तुम जाओ, बेफिक्र होके जाओ ना बेटा। दादी माँ आपके गले की चेन कहाँ गई? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम अपने गले में चेन ना पहनो, और ये चेन मैं अपने गले में पहनूं
ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी नहीं आपकी चेन की बात कर रही हूँ। आपकी चेन तो आपके पति ने पहनाई होगी ना, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। ओ, फिर भी मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने उतार दी। ऐसा ठीक नहीं है, आप पहन लीजिए। जब तक तुम अपने गले में चैन नहीं पहनोगी तब तक मैं भी अपने गले में चैन कभी भी नहीं पहनूंगी। मैं पहन लूंगी पर आपका गला ऐसे शोभा नहीं देता। मैं जब वापस आऊंगी आपके गले में चैन होनी चाहिए। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ अगर जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है ठीक है। दादाजी का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो फोन करूंगी ठीक है ना। हाँ पूरी किताब है क्या? हाँ आ रही हूँ। टाइल वार्ता नहीं अखबार है, चलेगा ना? कितना हुआ? 12। हेलो नमस्ते। सुबह आया था तुमसे मिलने की सोच रहा था, फोन पर बात करने से बेहतर सोचा तुमसे मिल लूं। वेटिंग चार्ज भी देना हमारे लिए लाभदायक है। आज क्लास नहीं है। एग्जाम हो रहा है ना, सेमिस्टर एग्जाम है इसलिए। वैसे क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ छोटा सा एक गिफ्ट है, सच कहूँ तो इसे गिफ्ट नहीं बोल सकते। मेरी पसंद की चीज़ को किसी को देने के लिए मेरी माँ ने बहुत प्यार से रखा था। पेंशन मिली थी तब करी थी। माँ टीचर हुआ करती थी, इसके साथ एक मंगलसूत्र बनवाना है ऐसा माँ बता रही थी। लेकिन मैं। कोई लेकिन वेकिन नहीं, इसे अभी रख लो। ऐसी बात नहीं है, बहुत वक्त गुजर चुका है, मैं इसे लेने के मूड में नहीं हूँ। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जब पहनने का मन करे तब पहन लेना, फिलहाल इसे रख लो। ऐसी बात नहीं है, मैं कल से परेशान हूँ दादाजी को लेकर, उन्हें कुछ हो ना जाए मेरा दिल घबरा रहा है। ये सब बस तुम्हारी सोच है, तुम्हारे अंदर का डर है। ऐसी बात नहीं है, हमने कल बहुत देर तक बात की। मौत के समय में जो गाते हैं कल वो दादी माँ ने गाकर सुनाया। दादाजी कह रहे थे वो अक्सर झूठा गाना गाती हैं। सर ने ठीक ही बोला होगा। दुख को कन्वर्ट करके खुश होने का दिखावा करना बड़े लोगों की आदत है। दर्द कभी बदलता नहीं है, दर्द हमेशा दर्द बनकर ही रहता है, उसे स्वीकार करना ही सही रहेगा। लेकिन हम उसको खुशी में बदलने की बेकार कोशिश में लगे रहते हैं, ये भगवान को भी ठीक नहीं लगेगा। दर्द अनुभव करने के लिए होता है, खुशी मनाने के लिए नहीं होता। वैसे हम आजकल प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं ना, हमारे अंदर खुदगर्जी की भावनाएं हैं प्रकृति के खिलाफ जाकर खुशी को अपनाने का। हम उस प्रकार नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति के खिलाफ ही है ना। विमला मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये यहाँ के ओनर हैं। ओह हाय। ये प्रदीप सर हैं, मेरे फ्रेंड, कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्या बोल रही थी? प्रदीप सर कॉलेज में पढ़ाते हैं और मेरे फ्रेंड हैं। हाय। ओहो पूजा करने के लिए यहाँ भिखारी का क्या काम है, हैं? कॉलेज में पढ़ाने वाले को यहाँ बुक स्टॉल में क्या काम है? वैसे हम यहाँ स्कूल की किताबें नहीं बेचते हैं ना, फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये पार्क नहीं है, पुस्तकालय है। मैं ही सबके बारे में सोच करके दुख लेता रहूँ ना। यहाँ पर तो अच्छे नॉवेल्स हैं, अच्छी कविताएं हैं, अच्छी कहानियों की किताबें हैं, ये सब तो आपको ज़रूरत नहीं है ना। खैर वो सब छोड़ो, आप वैसे पढ़ाते क्या हैं? फिजिक्स। वैसे यहाँ पर एक भी किताब नहीं है ना सर जी। तो फिर आप यहाँ टाइम पास करने आए हो ना? अभी आप जिस काम से आए थे सर वो हो गया है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम जरा चुप रहो बेटी, मैं जरा इस मजनू से दो बातें करके आता हूँ। अरे गुंडागर्दी दिखा दे हो तुम, मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो, समझ गए ना? क्या जो तुम्हारा स्वभाव जानू, चुप रहो। काम धंधा नहीं ऐसे लोग यहाँ आ जाते हैं लाइन मारने के लिए। तुम्हारे कॉलेज में तो वैसे भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी ना, है? फिर यहाँ तुम क्यों आ जाते हो इस लड़की को परेशान करने के लिए? आप जरा इज्जत से पेश आइए। हाँ मैं तो इज्जत कम ही देता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए इतनी काफी है। अंथोनी जी। अरे वाह क्या तुमने मुझे बुलाया, तुम मेरा नाम जानती हो क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ।
आपका। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, लेकिन तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हो। तुमने मुझसे कुछ एडवांस पैसा भी लिया हुआ है। मेरे पास काम करते हुए दवा के नाम पर, खर्चे के नाम पर जो पैसा तुमने लिया है, वो सारा पैसे का हिसाब किताब मेरे पास रखा हुआ है। प्यारी प्यारी जनता, जरा इनको देख लो। इधर आओ, इधर आओ। इनका नाम है प्रदीप। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो अंदर इनका यही काम है। विमला चलो। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूंगा। तुमने एडवांस में पैसे लिए हैं, भूल गई क्या? याद है तुम्हें, दादाजी की दवाई के लिए, दादी माँ के खर्चे के लिए बहुत सारा पैसा लिया है। वो सारा पैसा लिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटी। हैं, और तुमने मेरा जो खाना खाया और नींबू शरबत पिया है, उसका हिसाब अलग है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं मेरा पैसा लेके रहूँगा। तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ मैं। विमला तुम टेंशन मत लेना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये तो बहुत समझदार है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत कंजूस हूँ, जबकि मेरे पास कितनी दौलत, पैसा, जायदाद है। कितनी बार मैं तुमसे कितने प्यार से पेश आया था, तोते की तरह समझाया, फिर भी तुम्हारे अंदर अहंकार है। अहंकार का फल खतरा हो सकता है, कुछ समझ में आया? मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी, वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर नहीं, तुम पर दया करके की थी। दया करके, DAYA, दया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज के ज़माने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी मदद चाहिए। इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, घटिया चमड़ी चोर कहीं का। अरे चमड़ी चोर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जो अखबार में छिपकर इज्जत उछालते हैं। ये बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। मुझे और भी काम है यहाँ खड़े होकर तुम पर लाइन मारने के अलावा। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात तुम्हें? हेलो, कौन है? एंथोनी बोल रहा हूँ मैं। कितनी कॉपी चाहिए? दूंगा ना, मैंने बाइबल बेचकर धंधा किया है। अरे सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं अंटार्कटिका जाकर आइस बेचकर पैसे कमाकर धंधा शुरू किया ऐसा इंसान हूँ, इसीलिए लोग मुझे एंथोनी भाई कहते हैं। समझ गए क्या? क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं। क्या हुआ? थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ क्या? नहीं। सीने में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। थोड़ा गर्म पानी लेकर आती हूँ। तो फिर मैं किसी को बुला कर लेके आती हूँ, हम अस्पताल लेके जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? हे ईश्वर, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, क्या बात है? जरा इधर आना, वो जो रत्नम्मा है उसे बुला कर लाओ जल्दी से। हाँ। सर को तकलीफ हो रही है। ठीक है, उन्हें अस्पताल लेके हाँ, जाना है, तुम जल्दी जाओ। ठीक है माजी। आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? अभी कोई आ जाएगा, मैंने बुलाने के लिए भेजा है। चलिए उठिए, हम अस्पताल जाते हैं। उठिए जल्दी से, फोन करके उस बच्ची को बुलाओ, उस कैलेंडर पे नंबर हाँ, लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से फोन करके उसे बुलाओ, गाड़ी आगे हम चलते हैं। हेलो, बुक स्टॉल है ना? हाँ वही है। विमला है क्या वहाँ? मिलेगा, मैं छुट्टे भी बेचता हूँ और होलसेल में भी बेचता हूँ। अरे वहाँ किसी पागल ने फोन उठाया। हाँ। अब हम क्या करें? चलो वहीं जाकर। हाँ फोन कराओ। क्या बात है बीबीना, कितनी बार मैंने फोन किया तुमको, यहाँ कोई पागल फोन उठा रहा। क्या हुआ? चलो जल्दी तुम। क्या क्या बात है? अच्छा तुम ही हो क्या जैसे फोन करके बार बार बुला रहे थे? अच्छा तो फोन मैंने उठाया।
अभी के लिए इतना काफी है, बाद में तुम्हें और मिलेगा। अरे जल्दी से चलो, अलेक्जेंडर सर की तबीयत ठीक नहीं है, जरा जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे डरो मत, तुम जल्दी चलो। आओ बेटी। दादाजी को एक घंटे पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो गई, शरीर से पसीना छूटने लगा। मैंने तुरंत इन सबको बुला लिया और जल्दी से टैक्सी पकड़कर इन्हें हॉस्पिटल ले आए। ऑपरेशन करना पड़ेगा, 16,000 का खर्चा आएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, उन्होंने कहा यहाँ पर बैठो, सर को कुछ नहीं होगा। दादाजी कैसे हैं? डरने की कोई बात नहीं बेटी, बेटी ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आ गए तुम, मैं तो पुलिस लेकर आने वाला था। ये लो तुम्हारा पैसा, दोबारा उसको तकलीफ दिया तो। अरे ये क्या है, बस इतने ही? नींबू का शरबत और खाना भी तो खिलाया मैंने, मुझे वो भी पैसे चाहिए। अभी चाहिए क्या? हाँ मुझे अभी चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या किया? हमारे गांव में इसे थप्पड़ बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे गांव में भी इसे थप्पड़ ही बोलते हैं। कितना हुआ? 40 रुपया। हाँ ये लो। हाँ विमला, मुझे सब पता चला, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक डॉक्टर मेरा दोस्त है, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल, मैं एक बार उनसे मिला भी था और उनके बारे में बात भी की थी, कार्डियोलॉजिस्ट को बताया था। मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा, मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। आप इसे कुछ खाने के लिए बोलिए, इसने अब तक कुछ नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है। अरे विमला तुम जाकर कुछ खा लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, इस तरह उपवास करने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से कहीं जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। माँ जी आप इसे लेकर जाइए और आप लोग कुछ खाकर आ जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो बेटी जाओ। ये यहाँ है ना, चलो। हाँ चलो। अलेक्जेंडर सर के साथ कोई आया? हाँ, है क्या? मैं उनके साथ हूँ। वो इस दुनिया में नहीं रहे, वेरी सॉरी। अरे नहीं, क्या बात है बताइए। बताओ प्रदीप क्या हुआ? मैं आपसे कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या हुआ बताइए ना आप। अगर किसी को बताना है तो बता दीजिए, सबको खबर दे। हे ईश्वर, हमारे अलेक्जेंडर सर अब इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे बिल्ला, नहीं रहे। की प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारी आत्मा आपसे जुड़ गई है। हे ईश्वर आप कहाँ हैं? हम आपसे प्रार्थना करते हैं,
हम हमेशा अपनी आँखों में रखकर आपकी प्रार्थना करते हैं। हम इस जन जनादर के सामने आपको ईश्वर स्वीकारते हैं। हम इस आत्मा को आपके पास भेज रहे हैं। उस आत्मा को हम पूरे विश्वास के साथ आपके कदमों में रख रहे हैं। आप इस आत्मा को अपने चरणों में जगह दे दीजिए। ईश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमारी आत्मा आपसे जुड़ गई है। हे ईश्वर, आप कहाँ हैं? हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा अपनी आँखों में रखकर अरे उनके पिताजी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके रिश्तेदार में कौन है? उनके पिताजी दूर के रिश्तेदार में एक हैं। अरे लेकिन इतने दूर के रिश्ते को कौन मानता है भाई? और वो तो अभी केस में उलझे हुए हैं। उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। अगर तकलीफ होती तो लोग आते थे। आते भी कैसे? कुर्बानी की रस्म तो उनके गांव में हो रही है, चर्च तो आरसी के हाथ में है। अगर मिनिस्टर को बुलाते तो यहाँ के एमएलए को ही फैसला लेना पड़ेगा। अगर पुलिस परमिशन देगी तो सर की लाश उनकी वाइफ के बंगले में दफनाएंगे, यही उनकी ख्वाहिश थी। ये सब होना मुश्किल है। वो जगह बर्निंग के पिताजी को दफनाने के लिए बुक की गई है। कुछ भी हो जाने दो, लेकिन अलेक्जेंडर की लाश को उनकी वाइफ के बंगले में ही दफनाया जाएगा। मरने के बाद और परेशानी होती है। अरे दफनाने का काम कहीं भी कर सकते हैं ना। अरे उसमें भी मायने रखता है। आप लोग बहस करके परेशानी बढ़ा रहे हैं। बस जहाँ पिताजी को दफनाते हैं वहाँ सौतेली माँ को दफनाने देंगे क्या? आप ही बताइए। अरे उनके लिए भी रस्म होती है ना। अरे मेरी बेटी की ससुराल में मैयत हुई थी तो इसी तरह परेशानी हुई थी, और वहाँ भी यही रस्म निभाने के चक्कर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वहाँ पर, जानते हो तुम? यहाँ भी ऐसे होने वाला है, समझे? हाँ, एड्स एड्स। उस लाश को दफनाने के लिए हमें कितनी परेशानी हुई पता है तुम्हें? ये वो रस्म है जो पुराने जमाने से चलती आ रही है। मिनिस्टर और पुजारी के आने के बाद ही उस आदमी को कब्र में दफनाना पड़ा है। अगर उनको वैसे ही रखेंगे तो हाँ। बाकी लाशें भी प्रभावित होंगी। सही कहा। बेटी जरा इधर आना। दफनाने का रस मालूम है? आप ही बताइए, आपको जो करना है करिए। लेकिन इसमें एक परेशानी है, चर्च वाले हमें अंदर नहीं आने देते। दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी दादी जी के साथ ही मैं रहे। डैडी मम्मी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ उनके बीच में रहना चाहते थे। अभी वो मामले को और आगे बढ़ा देंगे। जब वो लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए आए थे तब हमारे लड़कों ने उनके साथ मारपीट की थी। वो इसका बदला लेने के लिए चर्च के इर्द गिर्द तलवार, कोयता, डंडा लेकर भीड़ जमा कर रहे थे। समिति वालों ने गड्ढा खोदने की इजाजत नहीं दी। फादर, दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी। मेरे अकेले सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अलेक्जेंडर सर के रिश्तेदार लोग हैं ना, उनके भाई भी है ना, सभी लोग अच्छे खासे पोजीशन में हैं। हाँ, तुम जरा इब्राहिम से बात करके देखो, वो इनके भाई है ना, भले ही उनको कोई भी नाराजगी हो लेकिन इस प्रॉब्लम में मदद करने के लिए आगे आएंगे। रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन वो लोग इसमें शरीक नहीं होंगे, आपस में एक साथ नहीं जुड़ेंगे। मेरे दादाजी की जो ख्वाहिश थी वो किसी भी तरह पूरी होनी ही चाहिए। हम चर्च के बगल में नहीं जा सकते हैं, आरसी के हाथ में चाबी है, सीआरपी यहाँ आने वाला है। मुझे ये भी खबर मिली है कि पुलिस वाले भी आ रहे हैं। हमारे पास भी पुलिस है, मफ्टी में। ऐसा है, मेरा दोस्त है, इसीलिए मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किया। ओ, ये सब होने वाला काम है क्या तुम्हें लग रहा है? ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। तुम्हारे बीच में लड़ाई करना कोई रस्म होता है क्या? बेटा तुम बैठो। नमस्ते फादर। फादर आप फिर प्रेयर शुरू कीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो भी होगा हम देख लेंगे। गड्ढा खोदना रुका तो नहीं है? अभी वो गड्ढा खोदेंगे, आरबी और पुलिस भी वहीं आ गई है। गड्ढा खोदना पड़ेगा और कुछ भी हो जाए लाश को दफनाना तो पड़ेगा। नीच नाल का साइमन वहाँ गया है, बहुत बड़ा गुंडा है वो, किसी से नहीं डरता है। वहाँ 10-20 लोग काम करने वाले भी हैं, बंगाली लोग। कुछ भी हो जाए ये जिद का काम है, ये भी तो हमें ही देखना होगा ना। अच्छा, मार के बदले मार, एक और लाश नहीं होनी चाहिए हमारे पास। हमें सुलह का रास्ता चाहिए। फादर आप प्रे कीजिए, इंसानों ने जो भी सवाल किया है आपके जवाब उसी में छुपा हुआ है। आपका जवाब उनका सवाल। आप इस बात को लेकर क्यों डरते हैं? फादर आप प्रार्थना कीजिए ना, हम बोल रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को जो फैसला लेना है वो लो।
हमारे छोटे बेटे की बीवी का क्या हो रहा है पता है आपको? दर्द आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर। अरे अभी तो उसको बच्चा नहीं हुआ? हाँ, क्या कारचल गांव में। कुछ भी हो जाए आपको यहाँ रुकना ही होगा दादी, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। ये आज की कहानी नहीं है, पहले से चली आ रही है ये कहानी, इसमें बात करके भी कोई फायदा नहीं। और एक बात है, कोची के इस छोटे से गांव में लाश को दफनाने के लिए दमस कमीशन रख के इसका फैसला लेना बहुत बड़ी समस्या है। पिछले हफ्ते एक परेशानी हुई थी, हमारे चर्च में नहीं काटूर के चर्च में। कोर्ट के फैसले के अनुसार 6 बजे से 9 बजे तक एक पार्टी को अनुमति दी है और 9 बजे के बाद दूसरी पार्टी को अनुमति दी है। दोनों पार्टी की प्रार्थना और कुर्बानी देखकर जीजस भी भाग गए होंगे। ये क्या आप मजाक उड़ाने के लहजे में क्यों बात ये कर रहे पूछ रहे हैं? वो सही बात है ना, चाहे भगवान हो या ईश्वर हो उन्हें भी सहमति सहने का अधिकार। जो बात मैं बोलने आया था वो तो बोला ही नहीं। सुबह कुर्बानी करने वाले थोड़े लेट हो गए, जैसे ही 9 बज गया तो दूसरी पार्टी के लोग आ गए, प्रार्थना भी शुरू हो गया। पहली पार्टी का प्रार्थना शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद दोनों पार्टी में मारपीट शुरू हो गई समझे। मैं भी वहाँ गवाह बनकर खड़ा था। आजकल के बच्चे चर्च में घुस करके झगड़ा करने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं, और लड़कियाँ भी कम नहीं है, वो भी बीच में घुस के झगड़ा करती है। बोलो, अभी उनके साथ कोई जबान लड़ा सकता है क्या? यही हमारा निजी स्वभाव है ना। चुपो चुपो। वैसे देखा जाए तो दादाजी हमें बिना तकलीफ दिए ही चले गए। जब बीमार पड़े थे तो किसी काम के नहीं थे, चर्च में गए काफी दिन हो गए थे, चर्च में जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ पे सारी प्रक्रिया कारसेट में रख के किए होंगे जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था। अलेक्जेंडर सर के हर काम में हाथ बटा रहा था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। कट। एक और टेक चाहिए क्या? नहीं नहीं ठीक है। कैसा रहा परफॉर्मेंस? मेकअप ठीक था ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, विजय अलेक्जेंडर सर केमियो है, महापुरुष है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारी बिरादरी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या? चर्च के लिए कुछ किया है क्या? सच कहूं तो इससे भी ज्यादा चर्च के लिए जिन्होंने दान दिया है कोडानम गांव के पीटर हैं, उन्होंने किया है बहुत। तुम जरा इधर आओ, ये सही वक्त है इस तरह बंटवारा करने की बात करने का, वो भी उस बच्ची को सुनाई दे। बड़ा आया बंटवारा करने वाला। तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? मैं इस चर्च को संभालने वाला एक अधिकारी हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है मेरा काम तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ दूसरा काम देखो, हटो हटो यहाँ से, लड़ाई मत करो मेरे साथ। हाँ ओमन कसी सर, आपकी समझ में आ गया ना, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना? हाँ हाँ छोटी माँ, वो लोग अपने काम में अच्छी तरह ध्यान दे रहे हैं। चर्च के बारे में किसी तरह शक हुआ तो मुझे आकर पूछो, वो सब रहने दो, चलो चलते। वो क्या है ना फादर, हम बिशप से जाकर मिलेंगे। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? बिशप से मिलने वाला तू कौन होता है? बहुत देर से मैं इस सवाल को पूछना चाहता था। ये मैयत का घर है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। हम अपनी परेशानी को खुद सुलझा लेंगे, हमारे पास भी आदमी है, हमारे काम में टांग अड़ाने आ गए दूसरी जाति के गैर लोग। थू, बड़ा आ गया मध्यंतर। अरे बेटा, हमारे बीच में हमारी समस्या को हल करने के लिए प्रमुख लोग है, अरे हम उनकी बातें सुनते नहीं है, तुम आ गए बीच में। चलो दीदी, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? फादर से मिलना है, कोई फैसला तो लेना होगा ना। उसके लिए यहाँ आदमी है ना, तुम लड़की होकर जा रही हो। मैं जाकर आती हूँ, मुझे पता है क्या करना है। जो मर जाते हैं उन्हें भी तो न्याय मिलना चाहिए ना, उनका भी हक बनता है। विमला तुम मत जाओ, फादर आते ही होंगे। सन्नी मामा फादर को बुलाने गए हैं, वो आते ही होंगे, हम उनके आने के बाद ही कोई फैसला ले सकते हैं। मार के बदले मार, फादर का यही कहना है। तुम अंदर आओ। मुझे नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है यार? कुरुक्षेत्रम। क्या? अरे कुरुक्षेत्रम वही तो है। अब जरा हटिए। श्री विजय अलेक्जेंडर की लाश को दफनाने के मसले को लेकर अभी भी यहाँ पे लड़ाई हो रही है। चर्च में दो पार्टियों के बीच जो मतभेद है उस बात को लेकर समस्या और भी बढ़ रही है। पार्टी के लोगों में मतभेद होने की वजह से दाह संस्कार की प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। इस मसले का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से SP, CRP, कलेक्टर आकर कैंप भी लगा रहे हैं। इस मसले को शांति से सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से सलाह और आदेश भी दिया गया है। इस मसले को लेकर पक्ष में 2 अलग पार्टी आपस में भिड़ रहे हैं। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इनकी लाश को उनकी पत्नी की कब्र के बगल में दफनाया जाए। उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं।
इन दोनों पार्टियों के बीच वाद विवाद के तहत इसका हल निकालने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो, जितनी जल्दी हो सके इंसान को एक कब्र मिलनी ही चाहिए। इनका पार्थिव शरीर अभी भी अंदर ही पड़ा हुआ है। सांसारिक तौर से इनका क्रियाक्रम का काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन इस मसले के तहत सब कुछ अटका हुआ है। RTV की ओर से मैं सूरज कुमार। കർത്താവേ, കഷ്ടതകളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറഞ്ഞ് യാത്രയായി വിദൂരസ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരാൽ നയിക്കപ്പെടുവാനും പുനരുദ്ധാരണ ദിവസം വരെ ഇവിടെ ആനന്ദമനുഭവിച്ച് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ നിന്റെ മുഖപ്രസന്നതയോടുകൂടി അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഇടയാക്കണമേ. കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാരുടെ വരകളിൽ നിന്നും അദൃശ്യമായ അന്ധകാര സേനകളിൽ നിന്നും ഇവനെ സംരക്ഷിച്ച് നീതിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷാസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് ചേരുവാനും നിന്റെ വിശുദ്ധരോടൊരുമിച്ച് എന്നേക്കും വസിക്കുവാനും ഇവന് സംഗതിയാക്കണമേ. ഹോശോ വക്കുലസുബാൻമീൻ സംരക്ഷകനാം നാഥാ ദേവാഹാലേ ലോയ്യൗഹാലേ ലോയ്യാരാവും പകലും തിരുമുൻപിൽ കേണേൻ ഊകട്ടൻ വാധന നിൻ സവിതം ഹാലേ ലോയ്യൗഹാലേ ലോയ്യാ സദ്ധി ചീടണമെന്യാ തിന്മയ മോഹിച്ചെന്നാൽമം ഹാലേ ലോയ്യൗഹാലേ ലോയ്യാ എന്നുയിർ പാതാളം പൂകി കുഴിയിൽ പെട്ടോരെ പോലായേൻഹാലേ ലോയ്യൗഹാലേ ലോയ്യാ തുണയറ്റോരോടൊത്തെ ഞാൻ
Thank you.